नमस्कार दोस्तों आशा करता हूँ कि आप सुरक्षित होंगे और स्वस्थ होंगे आज का जो हम लोगों का टॉपिक है बेसिकली ये भू आकृति विज्ञान का जियोमॉर्फोलॉजी का ऐसा माना जाता है कि ये सोल टॉपिक है।, है ना उसकी आत्मा है क्योंकि ये टॉपिक अगर हम समझ गए तो बहुत सारे अन्य ऐसे मसले हैं जिसको समझ पाना हमारे लिए बहुत ही आसान होगा हो रहा होगा कि आखिर टॉपिक है क्या आज का हमारा टॉपिक है यह है प्लेट विवर्तन की सिद्धांत जिसको इंग्लिश में प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बोलते हैं बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी भी अन्य टॉपिक को हमने कवर किया इसमें भी हमें यह जानना है कि प्लेट विवर्तन की सिद्धांत का टॉपिक का अप्रोच क्या होगा हमारा सबसे पहले इस टॉपिक का हमको देखना है परिचय और जैसा कि हम लोग बात कर चुके हैं कि परिचय के लिए हम लोग भूमिका शब्द का प्रयोग भी कर सकते हैं इंट्रोडक्शन शब्द का प्रयोग भी कर सकते हैं लेकिन इस टॉपिक में मजेदार बात यह है कि इसका जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है जो इसका परिचय वाला पार्ट है वो ही अपने आप में बहुत बड़ा है जैसे इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमको बात करना है कि प्लेट आखिर है क्या पहला टॉपिक है हमारा प्लेट विवर्तन की सिद्धांत प्लेट हमें जानना है कि क्या है साथ ही साथ में हमें यह भी जानना होगा कि विवर्तन की क्या होता है अब एक और बात कि अगर हम ये देख रहे हैं कि प्लेट क्या है विवर्तन की क्या है तो हमें यह भी जानना होगा कि सिद्धांत क्या होता है उस पर भी हम बात कर लेंगे लेकिन उसको हम सिनोक्सिस में शामिल नहीं करेंगे ठीक है इसमें एक तो हमें जानना है प्लेट क्या है विवर्तन की क्या है इसके साथ में हमें जानना है कि ये जो प्लेट शब्द है इनमें एक बात ये कि प्लेटों के प्रकार एवं वितरण ठीक है ना टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लेट्स ठीक है ना प्लेटों के प्रकार एवं वितरण यहां पर एक बात ध्यान रखेंगे कि प्लेटों के प्रकार को भी हमें दो आधार पर देखना है एक तो देखना है हमें किसके संरचना के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर संरचना के आधार पर और एक हमें देखना है इसको किसके आकार के आधार पर ठीक आकार के आधार पर यह इंट्रोडक्टरी में इतना अप्रोच हुआ इतना ही नहीं हमें यह भी बात करना होगा कि प्लेट विवर्तन की सिद्धांत क्या सबसे पहला ऐसा सिद्धांत था जो फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जिस्ट कर गया इसके बारे में बात की गई या ऐसा भी था कि प्लेट विवर्तन की सिद्धांत से पहले कुछ और भी सिद्धांत अस्तित्व में थे और धीरे 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 विकास का क्रम ऐसा हुआ कि आगे चल करके प्लेट विवर्तन के सिद्धांत अस्तित्व में आया ऐसे में हमें यह जानना है कि इस प्लेट विवर्तन की सिद्धांत के विकास का इतिहास यह हमें जानना है कि यह प्लेट विवर्तन के सिद्धांत अगर एग्जिस्ट किया तो कौन कौन से इसके पहले ऐसी बातें थी जिन्होंने प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के विकास के लिए आदान प्रदान आधार प्रदान किया ठीक है ना इसके बाद में हमें क्या बात करना है कि अगला प्लेटों की गतिशीलता के कारण ये ध्यान देंगे कि ये हमारा अप्रोच नंबर टू होगा अप्रोच में पहला क्या था इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन में हमने क्या क्या देखा कि प्लेट क्या है विवर्तन की क्या है इसके प्रकार और वितरण को जानना है जहां प्रकार को हमें संरचना के आधार पर देखना है और आकार के आधार पर देखना है इन सब के अलावा इंट्रोडक्टरी पार्ट में ही इस सिद्धांत के विकास का इतिहास क्या है अब जो सेकंड हमारा है जो सेकंड हमारा है वो है कि प्लेटों की गतिशीलता के कारण क्या है प्लेटों की गतिशीलता के कारण के बाद प्लेटों की प्लेटों की गतिशीलता के प्रकार एवं प्रभाव ठीक है ना टाइप्स ऑफ प्लेट्स मूवमेंट एंड देयर इंपैक्ट ठीक है ना अब एक बात देखेंगे कि प्लेटों की गतिशीलता के प्रकार को दो आधार पर देखना है हमें दो आधार पर कौन कौन सा एक तो हमें देखना है पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के सापेक्ष ठीक है पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के सापेक्ष प्लेटों की गतिशीलता के प्रकार और दूसरा हमें देखना है कि प्लेटों के मध्य एक दूसरे के सापेक्ष प्लेटों के मध्य एक दूसरे के सापेक्ष यानी प्लेटें इन रिस्पेक्ट टू ईच अदर कितने प्रकार से गतियां करती हैं हम टॉपिक में तो जा करके देखेंगे ही देखेंगे लेकिन यहीं पर हम एक बात जान लें यहां पर तीन प्रकार की गति हमको देखना होगा कौन कौन सी एक तो हमें देखना होगा अभिसारी प्लेट गति आप इंग्लिश के मैटर्स को अगर पढ़ते हैं तो वहां पर इसको लिखता है कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज ठीक है ना तो अभिसारी प्लेट गति या अभिसारी प्लेट गति की जगह हम एक और शब्द का प्रयोग कर सकते हैं और वो है सीमांत अभिसारी प्लेट सीमांत जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री ठीक है दूसरा है हमारा अपसारी प्लेट गति या डायवर्जेंट प्लेट बाउंड्री ठीक जो थर्ड है हमारा वो है समानांतर प्लेट गति पैरल प्लेट बाउंड्री ठीक है ना ये हम लोगों को देखना है प्लेटों की गति के प्रकार में इसके बाद में हमें क्या करना है कि इस प्लेट विवर्तना की सिद्धांत की आलोचना देखनी है और फिर छोटा सा हमको क्या ड्रॉ कर देना है निष्कर्ष ड्रॉ कर देना है टॉपिक ही देख करके आपको ये समझ जाना चाहिए कि ये जो हमारा टॉपिक है यह काफी बड़ा है है ना तो ये क्लास काफी लंबी हो सकती है मतलब मुझे लगता है कि तीन घंटे तो नॉर्मली इसमें लग ही जाना चाहिए ठीक है ना एक बार मैं फिर से बोल दूं प्लेट विवर्तन की सिद्धांत के अप्रोच सिनाप्सिस में पहले हमको देखना है इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन में प्लेट क्या है विवर्तन की क्या है प्लेटों के प्रकार एवं वितरण को देखना है जिसमें प्रकार को संरचना के आकार आधार पर ठीक है ना संरचना के आकार लिख गए संरचना के आधार पर देखना है और आकार के आधार पर देखना है फिर हमें इस सिद्धांत के विकास का इतिहास देखना है फिर अगला है प्लेटों की गतिशीलता के कारण और उसके बाद में प्लेटों की गतिशीलता के प्रकार एवं प्रभाव जहां प्रकार को दो आधारों पर देखना है एक तो पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के सापेक्ष कितने प्रकार से गति करती हैं और एक प्लेटों के मध्य एक दूसरे के सापेक्ष प्लेटों के मध्य एक दूसरे के सापेक्ष गति में अभिसारी, अपसारी और समानांतर और इनके को भी साथ साथ में देखेंगे इसके बाद में आलोचना है और लास्ट में हमको छोटा सा एक कंक्लूजन ड्रॉ कर देना है ठीक है ना फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अप्रोच सिनॉप्सिस को इरेज कर दे रहा हूं इधर हम लोग एक एक को लेकर के बात करते हैं ठीक है सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन और इंट्रोडक्शन में पहला अप्रोच है हमारा परिचय और जैसा कि हम लोगों ने अभी ड्रॉ किया था कि परिचय में सबसे पहला यह है कि प्लेट आखिर है क्या प्लेट कहते किसको है पहले हम थोड़ा बुकिस लैंग्वेज में जाते हैं किताबी भाषा में जाते हैं किताबों में आप पढ़ेंगे तो वहां पर हिंदी में सीधा एक शब्द लिखता है क्या कि बृहद मंडलीय खंड को खंड को क्या कहते हैं प्लेट कहते हैं बृहद स्थल मंडलीय खंड को प्लेट कहते हैं हो सकता है कि हम में से कई लोगों को इस बात को सुनकर के कंफ्यूजन हो जाए क्यों क्योंकि यहां पर लिखा गया बृहद स्थल मंडलीय खंड को प्लेट कहते हैं तो क्या प्लेट कोई ऐसा चीज है जो सिर्फ स्थलीय भागों पर पाया जाता है जलीय भागों पर नहीं पाया जाता यह थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है इसीलिए इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम इसका इंग्लिश वर्जन देख लें इंग्लिश में इसको बोलते हैं द लार्ज ब्लॉक ऑफ लीथो स्फेयर ठीक द लार्ज ब्लॉक ऑफ लीथो स्फेयर देखें लार्ज ब्लॉक का मतलब हुआ बृहद एक बहुत बड़ा खंड और लीथोस्फेयर में द वर्ड लीथोस्फेयर इज अप फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स वन इज लिथोस एंड अदर इज स्फेयर ठीक है ना लिथोस का मतलब होता है रॉक्स और स्फेयर का मतलब होता है जोन ठीक है ना मतलब कोई ऐसा जोन है किसका रॉक्स का चट्टानों का जो बहुत बड़ा है ठीक अब ये चट्टानी खंड महाद्वीपों के नीचे भी हो सकते हैं और महासागरों के नीचे भी हो सकते हैं कुल मिलाकर के ये है कि अभी भी कंफ्यूजन बरकरार है ठीक हम इसको और आसानी से समझने के लिए ऐसे जान ले अर्थ का सरफेस है ये सतह वाला भाग है और यह अर्थ का इंटीरियर भाग है आंतरिक भाग है ठीक है जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि पृथ्वी की सतह से केंद्र की ओर जाने पर जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाती है टेम्परेचर बढ़ता जाता है और यहां पर यह जो तापमान के बढ़ने का एवरेज रेट है यह बत्तीस मीटर पर एक डिग्री सेंटीग्रेड है यानी औसत रूप में 32 मीटर की गहराई पर जाने पर एक डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में वृद्धि होती है इसका इंपैक्ट यह होता है कि लगभग 100 किलोमीटर की गहराई में जाने पर टेम्परेचर इतना ज्यादा हो जाता है कि जो चट्टाने हैं वो गर्म गलित अवस्था में रूपांतरित हो जाती हैं 100 किलोमीटर के आसपास उसके भी पहले हमें जान लें कि इस अर्थ का आंतरिक भाग तीन परतों में क्लासिफाई है एक है क्रस्ट एक है मेंटल और एक है कोर पहले की क्लासेस में अगर आपने जाना हो तो अच्छी बात है नहीं तो यहां पर भी हम जान लेते हैं जो क्रस्ट है इस क्रस्ट को भी दो भागों में बांटा गया है ऐसे हम इससे रेड वाले से ड्रॉ कर दे रहे हैं ऐसा क्रस्ट दो भागों में, मेंटल भी दो भागों में और कोर भी दो भागों में क्रस्ट को ये जो लाइन जिसने इसको दो भागों में डिवाइड किया इसके ऊपर वाला भाग कहलाता है अपर क्रस्ट और ये है लोअर क्रस्ट इसी तरह मेंटल में ये अपर मेंटल और ये लोअर मेंटल क्रोड में ये आउटर क्रोड और ये इनर क्रोड पृथ्वी की आंतरिक भौतिक संरचना में स्टडी करने के टाइम पर हम ये जानते हैं कि ये जिन्होंने इनको डिवाइड किया है इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है जैसे जो क्रस्ट को जिसने ये डिवाइड किया दो भागों में इसको बोलते हैं कोनार्ड आसांत्य इसको बोलते हैं कोनाड आसांत्य ये वाला डिसकॉन्टीन्यूअस जिसने लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल को बांटा इसको मोहोरोविक या मोहो आसांत्य बोलते हैं ठीक इसको रिपीति बोलते हैं इसको गुटन बर्ग बोलते हैं और इसको लेहमन बोलते हैं ठीक और ये सभी आसांत्य हैं आसान तत्य को इंग्लिश में डिसकॉन्टिन्यूअस बोलते हैं और डिसकॉन्टिन्यूअस क्या होता है कि वह संक्रमण क्षेत्र होता है जहां पर कोई कॉन्टिन्यूटी कोई निरंतरता समाप्त होती है ठीक है तो अब हम देख लें अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को किसने क्लासिफाई कर दिया किसने बांट दिया कोनार्ड ने लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल को मोहो ने ठीक है ठीक जो अपर मेंटल और लोअर मेंटल है इसको ने लोअर मेंटल और आउटर कोर को किसने गुटनबर्ग ने और आउटर कोर और इनर कोर को लहमन ने अलग कर दिया इतनी बात क्लियर है हम एक बार फिर से इस पर आए कि जैसे जैसे आंतरिक भाग में गहराई बढ़ती जाती है जैसे जैसे, जैसे गहराई बढ़ती जाती है टेम्परेचर बढ़ता जाता है और टेम्परेचर बढ़ने का इंपैक्ट होता है कि बत्तीस मीटर की गहराई पर एक डिग्री सेंटीग्रेड एवरेज रूप में तापमान बढ़ता है 100 किलोमीटर की गहराई के आसपास तापमान इतना ज्यादा होता है कि जो चट्टाने हैं वो सॉलिड अवस्था में नहीं रह पाती वो मोल्टेन फॉर्म में चेंज हो जाती हैं और ये जो मोल्टेन फॉर्म में चेंज होती हैं ये मेंटल का भाग है ऐसे हम मान लें ये वाला एरिया है ये ये ऐसा है कि जो मोल्टेन फॉर्म में है मोल्टन फॉर्म में है इसका मतलब कि यहां पर जो चट्टाने हैं ये चट्टाने गर्म गलित अवस्था में है ठीक इस गर्म गलित अवस्था वाले भाग को बोलते हैं क्या दुर्बल मंडल जिसके लिए इंग्लिश में टर्म यूज किया जाता है एस्थेनो एस्फेयर इसका मतलब यह हुआ कि एस्थेनोस्फेयर या दुर्बल मंडल ऐसा क्षेत्र है पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो लगभग 100 से 200 किलोमीटर की गहराई पर है पहली बात यहां पर चट्टाने ठोस अवस्था में ना होकर के पिघली हुई अवस्था में है और इन पिघली हुई अवस्था के लिए एक और शब्द प्रयोग किया जाता है वो है सुघट्य अवस्था ठीक जिसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे प्लास्टिक स्टेज बोलते हैं ठीक है ना अब देखें इसके ऊपर का जो भाग है इसके ऊपर का जो भाग है अब हम इसको यहां पर इरेज कर देना है, ये जो लिखा हुआ है ये पूरा का पूरा भाग क्या है सॉलिड है ये पूरा का पूरा भाग सॉलिड है ये वाला भाग ठीक है ना और यही भाग ये जो सॉलिड भाग है इतना भाग यही क्या कहलाता है प्लेट कहलाता है अब देखें हमने अभी तक प्लेट के विषय में यह जाना कि बृहद स्थल मंडलीय खंड को प्लेट कहते हैं इंग्लिश में था द लार्ज ब्लॉक ऑफ लिथोस्फेयर ठीक अब हम देख लें अगर मैं ये लिखूं कि जो कि सुघट्य अवस्था वाले दुर्बल मंडल क्षेत्र के ऊपर अवस्थित है ठीक तो बात और क्लियर हो जाएगी कैसे बृहद स्थल मंडलीय खंड को प्लेट कहते हैं जो कि सुघट्य अवस्था वाले दुर्बल मंडल क्षेत्र के ऊपर अवस्थित है इसमें एक और बात हम शामिल कर दें वो ये है कि जहां जहां इस प्लेट में या इस प्लेट के अंतर्गत किसको संपूर्ण क्रस्ट को संपूर्ण क्रस्ट को हम देख सकते हैं कि यह पूरा का पूरा क्रस्ट इसमें आ रहा है संपूर्ण क्रस्ट एवं ऊपरी मेंटल को क्या किया जाता है शामिल किया जाता है अब देखें हम एक बार फिर से कि बृहद स्थल मंडलीय खंड थोड़ा हम चेंज करेंगे सेंटेंस को बृहद स्थल मंडलीय खंड जिसमें संपूर्ण क्रस्ट और ऊपरी मेंटल शामिल है प्लेट कहलाता है यह ठोस अवस्था वाला प्लेट सुघट्य अवस्था वाले दुर्बल मंडल खंड के ऊपर अवस्थित है इसका मतलब कि प्लेट के विषय में संबंधित हमारा जो कंफ्यूजन है अब वो समाप्त हो जाना चाहिए ये डायग्राम अगर आपको कंफ्यूजिंग लग रहा हो तो एक डायग्राम हम और ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं कि यह पूरा का पूरा इंटीरियर पार्ट है सरफेस से यह क्रस्ट है यह मेंटल है यह क्रोड है ये वाला भाग जो है ये वाला भाग ये क्या है दुर्बल मंडल क्षेत्र है और इसके ऊपर वाला भाग ये क्या कहलाता है प्लेट कहलाता है ठीक है ना तो इस प्लेट में हम देख सकते हैं कि पूरा का पूरा क्रस्ट शामिल है और इसके साथ साथ में यूपी का मतलब उत्तर प्रदेश नहीं है यूपी का मतलब है सॉरी यूपी लिख गया यूएम यूएम का मतलब क्या है अपर मेंटल ठीक है ना तो इस तरह से हमें इस प्लेट शब्द का अर्थ समझ में आ गया एक और बात इस प्लेट से संबंधित थोड़ा फैक्चुअल बात है हो सकता है कि कभी आपको प्रारंभिक परीक्षा में ऐसे प्रश्न का सामना करने को मिल जाए और वो ये है कि इस प्लेट शब्द का इस प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग है ना मतलब कि दो जो वर्ड प्लेट है इस प्लेट शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया ठीक तो प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया ये क्या टूजो विल्सन ने ठीक है ना एक सज्जन रहे हैं टूजो विल्सन जिन्होंने प्लेट शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया अब हम अपने इंट्रो वाले पार्ट में आए इंट्रो वाले पार्ट में पहला था हमारा कि प्लेट क्या है यह हमको जानकारी हो गई कि प्लेट किसको कहते हैं अगला देखेंगे कि सिद्धांत है हमारा प्लेट विवर्तन की सिद्धांत प्लेट का मतलब हमको पता चल गया अब अगला है टर्म हमारे लिए विवर्तन की ठीक देखें की के लिए हिंदी में एक और शब्द प्रयोग होता है ठीक है ना जैसे अगला है हमारा के विवर्तनिकी किसको कहते हैं विवर्तनिकी किसे कहते हैं इसको इंग्लिश में बोलते हैं टक्टोनिक विवर्तनिकी के लिए एक और शब्द है अथवा लगा करके हम बोल सकते हैं इसको विरूपण भी कहते हैं और विरूपण का मतलब क्या होता है कि जिसके रूप में क्या हो जाए परिवर्तन हो मतलब किसी के रूप में परिवर्तन होना भी विरूपण कहलाता है अब किसी का मतलब यहां पर किसके कॉन्टेक्स्ट में है हम ये बात करेंगे ठीक है ना अब देखेंगे कि विवर्तन की वास्तव में अगर आप एक विषय है जियोलॉजी जियोलॉजी में इसके बारे में यह कहा जाता है कि जो विवर्तन की शब्द है ये विवर्तन की शब्द बेसिकली संबंधित है किससे अर्थ के सरफेस वाले पार्ट से और सरफेस वाले पार्ट का मतलब यह हुआ कि जो क्रस्ट वाला भाग है उससे यह विवर्तनकी का मतलब यहां है कि इस विवर्तनकी का संबंध पृथ्वी के भू परपटी से है लेकिन अब देखिएगा फिर भी मामला फंस जाएगा अगर इसका संबंध सिर्फ सरफेस से है तो सरफेस पर होने वाले परिवर्तनों को ही देखना है उसका कारण क्या है उससे हमें बहुत मतलब नहीं होना चाहिए लेकिन इसका दायरा बहुत बड़ा है विवर्तन की का संबंध पृथ्वी के परपटी से है जिसमें जिसमें क्या होता है परिवर्तन होता है ठीक है ना अब परिवर्तन में क्या हो सकता है निर्माण भी हो सकता है इसका विनाश भी हो सकता है ठीक है ना निर्माण में न्यूलैंड फॉर्म्स का फॉर्मेशन हो सकता है विनाश में हो सकता है कि जो पहले से एग्जिस्ट करता था वो अब समाप्त हो जाए ठीक तो इस विवर्तन की का संबंध पृथ्वी के भूपर्पटी से है जहां इस भूपर्पटी में निर्माण और विनाश को इसके अंतर्गत रखा जाता है और इस निर्माण और विनाश का जो कारण है वो क्या है पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न विवर्तन की हलचल है ठीक है ना अब अगर हम दोनों को एक साथ जोड़ें प्लेट प्रहद स्थल मंडलीय खंड है जिसमें संपूर्ण क्रस्ट और ऊपरी मेंटल को शामिल किया जाता है यह ठोस अवस्था में है और सुघट्य अवस्था वाले दुर्बल मंडल के ऊपर अवस्थित है पृथ्वी पर धूपर्पटी में परिवर्तन का संबंध विवर्तनकी से है जहां इन परिवर्तनों में निर्माण और विनाश को सम्मिलित किया जाता है साथ ही साथ विदित है कि यह निर्माण और विनाश की प्रक्रिया जो घटित होती है पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न विवर्तन की हलचल के कारण होती है तो शब्द का मतलब हमको पता चल गया हमको पता चलेगा कि प्लेट क्या है और हमको पता चल गया कि विवर्तन की क्या है अब देखें अगला टर्म है हमारा सिद्धांत तो इसके लिए हम अलग से ऐसा आ, कुछ बहुत वो नहीं करना है बस एक बार समझ लें तीन तरह के टर्म बेसिकली यूज होते हैं एक होता है मॉडल एक होता है थ्योरी और एक होता है रूल ठीक है मॉडल सिद्धांत और नियम मॉडल क्या होता है हमने किसी विचार को विद द हेल्प ऑफ डायग्राम विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स किसी चित्र के माध्यम से या कुछ बना बना करके या शब्दों के माध्यम से प्रयुक्त किया वो हमारा अपना एक मॉडल हमारा अपना एक विचार हो ठीक है ना वो मॉडल हो गया जैसे आप स्कूली शिक्षा के स्तर पर देखेंगे तो बच्चे ढेर सारे उनको होमवर्क्स मिलते हैं कि आप इसका मॉडल बना के लाइए एनर्जी का मॉडल बना करके लाइए वाटर कंजर्वेशन का मॉडल बना करके लाइए अब देखें अगर हम अपने द्वारा कही गई बातों को एक्सप्लेन करते हैं उसका विवरण प्रस्तुत करते हैं उसको बताते हैं कि इसका आधार क्या है ठीक है ना और उसको स्वीकार सभी लोग ना करें कुछ स्वीकार करें और कुछ लोग क्या कर दें इसकी आलोचना कर दें क्रिटिक्स कर दें अगर क्रिटिक्स हो गया तो ये क्या हो जाएगा थ्योरी हो जाएगा सिद्धांत हो जाएगा अब आता ही रूल की रूल क्या होता है कि जब कही गई बातों को यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस मिल जाए यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस का मतलब यह है कि जब उसमें किसी भी प्रकार की कमी को न ढूंढा जाए या ढूंढा भी जाए और मिले ना तो वो किसमें आ जाता है नियमित जैसे आप देखेंगे गुरुत्वाकर्षण का नियम है यानी गुरुत्वाकर्षण के नियम का मतलब यह हुआ कि गुरुत्वाकर्षण में जो बातें बताई गई उसमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं है वो बिल्कुल सही है उसको एज इट इज एक्सेप्ट कर लिया गया है आप किसी भी विषय में अगर सिद्धांत को पढ़ते हैं तो देखेंगे कि सिद्धांत का क्रिटिसिज्म जरूर होता है आलोचना जरूर होती है यानी आलोचना हो गया तो सिद्धांत हो गया तो प्लेट विवर्तन की सिद्धांत तीनों के मतलब हमारे क्लियर हो गए प्लेट क्या है हम समझ गए विवर्तन की क्या है अभी हम लोगों ने देखा और सिद्धांत यह है कि जिसके आलोचना हुई हो इसका मतलब कि प्लेट विवर्तन की सिद्धांत की भी आलोचना हुई है अब हम अपने इंट्रो पार्ट पे जाएं। इंट्रो में हमने देख लिया प्लेट क्या है हमने देख लिया विवर्तन की क्या है अगला हमें देखना है कि प्लेटों के प्रकार एवं वितरण प्लेटों के प्रकार एवं वितरण परिचय में ही परिचय में ही हमारा प्लेट का मतलब हम लोग देख चुके विवर्तनिकी का मतलब भी हम लोग देख चुके अब हमें क्या देखना है प्लेटों के प्रकार एवं वितरण को देखना है हमको ठीक देखिए प्लेटों के प्रकार को आप टॉपिक सिनाप्सिस में देखेंगे तो प्लेटों के प्रकार को हमने दो आधार पर क्लासिफाई किया है दो आधार पर क्लासिफाई किया है पहला आधार क्या था हमारा पहला था संरचना के आधार पर और दूसरा हमारा क्या था आकार के आधार पर ठीक है ना संरचना के आधार पर और आकार के आधार पर देखें जो संरचना के आधार पर हम प्लेटों की बात करें तो संरचना के आधार पर इन प्लेटों को दो प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है एक है महाद्वीपीय प्लेट और एक है महासागरीय प्लेट यानी कॉन्टिनेंटल प्लेट और ओशनिक प्लेट ठीक ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर प्लेट कैन बी क्लासिफाइड इन टू टू फॉर्म्स कॉन्टिनेंटल प्लेट एंड ओशनिक प्लेट है ना अब इसको हम और स्पष्ट कैसे समझ सकते हैं एक ऐसा हम डायग्राम है महाद्वीप और ये है महासागर और यह हो गया इसका आंतरिक भाग अभी हम लोगों को पता है कि आंतरिक भाग को तीन परतों में बांटा गया क्रस्ट मेंटल और कोर जहां मेंटल वाले भाग में एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर चट्टाने गर्म गलित या पिघली हुई अवस्था में है और ये क्षेत्र कहलाता है क्या दुर्बल मंडल और इस दुर्बल मंडल के ऊपर वाला जो ठोस चट्टानी खंड है इसी को प्लेट कहते हैं और इस प्लेट में पूरा का पूरा क्रस्ट है और अपर मेंटल है अब देखेगा यहां पे ये जो ओशियन के नीचे का पार्ट जो ओशियन इतना हम लोग ऐसा मान लें जो ओशियन के नीचे का पार्ट है ये हो गया और जो कॉन्टिनेंट के नीचे का पार्ट है वो ये हो गया क्रस्ट वाला ठीक है ना ये जो पूरा का पूरा भाग है इधर का ये कहलाता है महाद्वीपीय प्लेट ये महाद्वीपीय प्लेट है और ये जो ओशियन के नीचे का भाग है ये क्या हो जाएगा महा सागरीय प्लेट ठीक अब हम पहले कॉन्टिनेंटल प्लेट की बात कर लें कॉन्टिनेंटल प्लेट में भी एक तो इसका संपूर्ण क्रस्ट है और दूसरा इसमें ऊपरी मेंटल है ठीक है ना महासागरीय प्लेट में भी क्या है संपूर्ण क्रस्ट है और क्या है ऊपरी मेंटल है ठीक है ना अंतर हमको ढूंढना है ठीक एक तो अंतर यह हो गया कि भाई महाद्वीपों के नीचे है वो महाद्वीपीय प्लेट है महासागरों के नीचे है वो महासागरीय प्लेट है बिल्कुल सही बात है। यहां पर एक बात हमको ध्यान देना है कि महाद्वीपीय प्लेट के नीचे जो महाद्वीपीय क्रस्ट है इस महाद्वीपीय क्रस्ट का निर्माण इसका जो निर्माण हुआ है ये ग्रेनाइट और नीस प्रकार की चट्टानों से हुआ है और ग्रेनाइट और नीस प्रकार की चट्टानों से इसका निर्माण होने के कारण क्या है कि इस महाद्वीपीय प्लेट का घनत्व इसका जो डेंसिटी है इसका जो घनत्व है यह अपेक्षाकृत कम है क्यों कम है इसलिए क्योंकि ग्रेनाइट और नीस ऐसी चट्टाने हैं जो तुलनात्मक रूप से कम घनत्व वाली होती हैं। वहीं महासागरीय प्लेट का जो क्रस्ट है यह निर्मित है किससे बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है और जैसा कि हम लोग जान रहे हैं या पहले हम लोगों ने बात किया है आज भी एक बार ऐसे जान लें कि जो बेसाल चट्टाने हैं इन बेसाल चट्टानों में फेरियम फेरियम बोले तो फेरस लोहा मैग्नेशियम मैग्नेशियम और चूना इन तीनों की क्या होती है प्रधानता होती है ठीक है ना फेरस मैग्नेशियम और चूने की प्रधानता होने के कारण ही इस महासागरीय प्लेट का जो घनत्व तो है यह घनत्व तो अपेक्षाकृत अधिक होता है अब एक बात इसमें समझिएगा हमने बात किया है कि इस महाद्वीपीय प्लेट और महासागरीय प्लेटों के क्रस्ट में डिफरेंस है लेकिन दोनों का जो मेंटल वाला पार्ट है यह मेंटल वाला पार्ट दोनों का एक जैसा मतलब मेंटल वाले पार्ट के कॉम्पोजिशन में कोई बहुत विशेष डिफरेंस नहीं है लेकिन इसके क्रस्ट वाले पार्ट में डिफरेंस है और यह क्रस्ट वाले पार्ट का डिफरेंस ही ऐसा रोल प्ले कर देता है कि महासागरीय प्लेटों का घनत्व अधिक हो जाता है जबकि महाद्वीपीय प्लेटों का घनत्व इसकी तुलना में कम हो जाता है ठीक है ना अब एक बात और समझेंगे सामान्यतः आप देखेंगे कि ऐसी जानकारियां भी मिलती हैं कि जो महाद्वीपीय प्लेट है इस महाद्वीपीय प्लेटों की मोटाई जो होती है यह मोटाई 100 किलोमीटर या उससे भी अधिक हो सकती है मतलब हर महाद्वीपीय प्लेट की मोटाई एक समान नहीं होगी कुछ महाद्वीपीय प्लेटों की मोटाई अपेक्षाकृत अधिक होगी और कुछ महाद्वीपीय प्लेटों की मोटाई अपेक्षाकृत कम हो सकती है लेकिन महासागरीय प्लेटों की जो मोटाई है महाद्वीपीय प्लेटों की तुलना में कम होता है ऐसे डेटा भी मिल जाते हैं कि महासागरीय प्लेटों की जो औसत मोटाई है यह औसत मोटाई लगभग लगभग होता है 50 किलोमीटर लगभग की बात है ये लगभग की बात है अब इसको एग्जैक्ट कहीं डेटा ढूंढने का कोई मतलब है नहीं ठीक है ना इतनी बातें हमको पता चल गई इसमें ठीक है ना अब एक बात और समझिएगा कि कोई भी जो महाद्वीपीय प्लेट है क्या यह संभव है कि वो कंप्लीट फॉर्म में संपूर्ण रूप में सिर्फ और सिर्फ महाद्वीपीय हो या कोई महासागरीय प्लेट हो क्या यह संभव है कि पूरा का पूरा उसमें महासागरीय प्लेट ही हो महासागरीय क्रस्ट ही शामिल हो इस पर हम लोग बात कर लेते हैं इसमें नोट करके हम एक बात समझ लें नोट करके हम लोग कॉन्टिनेंट के बेसिस पर ही चलेंगे नोट में पहली बात तो हम यहां पर यह समझ लें कि कोई भी जो महाद्वीपीय प्लेट है कोई भी महाद्वीपीय प्लेट यह संपूर्ण रूप में या संपूर्ण रूप से महाद्वीपीय नहीं होती अगर मतलब यह भी हो रहा होगा ना कि आखिर कहना क्या चाहते हो ऐसा भी मन में आ रहा होगा कोई भी महाद्वीपीय प्लेट संपूर्ण रूप से महाद्वीपीय नहीं होती बल्कि अब ऐसे और क्लियर हो जाएगा बल्कि इसमें महासागरीय क्रस्ट के भाग भी क्या होते हैं सम्मिलित हो सकते हैं या होते हैं हो सकते हैं या होते हैं ठीक है ना अब ये बात अच्छा ठीक है लेकिन कैसे हम समझ लें इसको हमें क्लियर करने के लिए आखिर कोई पैटर्न है बिल्कुल है जैसे हमने ये बनाया ऐसा और हमने कहा कि यह भारतीय प्लेट बिल्कुल गलत स्ट्रक्चर है टेक्निकली लॉजिकली हर तरीके से यह स्ट्रक्चर सही नहीं है इसे हमें बनाना है तो हम ऐसे बनाएंगे ऐसा अब हम इसको कह सकते हैं कि ये क्या है ये भारतीय प्लेट है ये इंडियन इंडियन प्लेट है अब देखें आप इंडियन प्लेट में कितने भाग शामिल हैं? एक तो ये पूरा का पूरा स्थलीय भाग है जो कि कौन सा भाग है ये प्रायद्वीपीय भारत है और ये प्रायद्वीपीय भाग स्थलीय भाग है कॉन्टिनेंटल पार्ट है इसके नीचे का क्रस्ट जो होगा वो कैसा होगा ये महा सॉरी ये महाद्वीपीय क्रस्ट होगा एक बात अब आप देखेंगे कि इस भारतीय प्लेट का जो हमने बाउंड्री ड्रॉ किया है इस बाउंड्री में इधर का भाग ये अरेबियन सी है अरब सागर ये है इंडियन ओशियन आईओ थोड़ा छोटा लिख गया है लेकिन कोई बात नहीं मैनेज कर सकते हैं इंडियन ओशियन है इधर का भाग जो है ये बे ऑफ बंगाल है अब चाहे अरेबियन सी हो इंडियन ओशियन हो और बे ऑफ बंगाल हो इन सभी जलीय पिंडों के नीचे इन सभी जलीय भागों के नीचे का जो क्रस्ट है वो महासागरीय क्रस्ट है ठीक ओशनिक क्रस्ट है तो यहां पर अरेबियन सी इंडियन ओशन और बे ऑफ बंगाल जो है ये है क्या महासागरीय क्रस्ट ठीक है ना इसमें महासागरीय क्रस्ट का भाग शामिल है अब हमें यह पता चल गया कि जो भारतीय प्लेट है भारतीय प्लेट है क्या यह कॉन्टिनेंटल प्लेट है यह कॉन्टिनेंटल प्लेट है महाद्वीपीय प्लेट है लेकिन इस महाद्वीपीय प्लेट में मेजर भाग बृहद भाग तो महाद्वीप का है बावजूद इसके इनमें महासागरीय भाग भी सम्मिलित हैं या महासागरों के क्रस्ट भी इसमें शामिल हैं जैसे पश्चिम में अरब सागर दक्षिण में हिंद महासागर और पूरब में बंगाल की खाड़ी के महासागरीय क्रस्ट के भाग को इसमें शामिल किया गया है और इसीलिए इस भारतीय प्लेट का घनत्व इस भारतीय प्लेट का घनत्व अपेक्षाकृत अपेक्षाकृत क्या है अधिक है किससे अधिक है यूरेशियन प्लेट से अधिक है क्यों क्योंकि यूरेशियन प्लेट में महासागरीय क्रस्ट की भागीदारी उतनी नहीं है जितनी इंडियन प्लेट में है और हम क्रस्ट में पहले ही बात कर चुके हैं कि अगर महासागरीय क्रस्ट है तो महासागरीय क्रस्ट में या महासागरीय क्रस्ट के निर्माण में बेसाल्ट चट्टानों की प्रधानता होती है जिसमें फेरियम मैग्नेशियम और चूना की अधिकता के कारण जो क्रस्ट का घनत्व है वो अधिक होता है और इसके क्रस्ट का घनत्व अधिक होने के कारण महासागरीय प्लेटों का घनत्व भी अधिक हो जाता है जबकि महाद्वीपीय प्लेटों में जो महाद्वीपीय क्रस्ट है इस क्रस्ट का निर्माण ग्रेनाइट और नीस जैसी अपेक्षाकृत कम घनत्व वाली चट्टानों से हुआ है इसीलिए महाद्वीपीय प्लेट का घनत्व तो भी कम होता है किसके तुलना में महासागरीय प्लेट की तुलना में और भारतीय प्लेट जो कि एक महाद्वीपीय प्लेट है इसमें महासागरीय क्रस्ट के भाग अधिक शामिल हैं और यही कारण है कि इसका घनत्व तो यूरेशियन प्लेट के घनत्व तो की तुलना में अधिक है ठीक है ना ये बात हो गई हमारी संरचना के आधार पर प्लेटों के प्रकार ठीक अब देखें हम संरचना के आधार पर प्लेटों के प्रकार के उपरांत हमें क्या देखना है कि आकार के आधार पर ठीक ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज आकार के आधार पर प्लेटों की संख्या कुल कितनी है ठीक अब देख लें इसको आकार के आधार पर इन प्लेटों को तीन भागों में या तीन प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है एक क्या है बृहद प्लेटें हैं ठीक एक बृहद प्लेटें हैं एक कैसी हैं छोटी प्लेटें हैं और एक कैसी सूक्ष्म प्लेटें मतलब आकार के आधार पर इन प्लेटों को तीन प्रकारों में बांटा गया है बृहद छोटी और सूक्ष्म बृहद प्लेटों में कौन कौन सी हैं? इनकी कुल संख्या है सात ठीक है ना कौन कौन से एक तो प्रशांत महासागरीय प्लेट ठीक एक है उत्तरी अमेरिका प्लेट एनएपी लिखा है हमने एनएपी का मतलब क्या है नॉर्थ अमेरिका प्लेट उत्तरी अमेरिका प्लेट इसी तरह से एस ए पी एस एपी का मतलब क्या है साउथ अमेरिका प्लेट दक्षिण अमेरिका प्लेट ठीक इसी तरह से अफ्रीकन प्लेट ठीक अंटार्कटिका प्लेट ठीक है ना ठीक इसी तरह से इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट ठीक है ना ठीक देखें इतनी प्लेटें हो गई कौन कौन सी प्रशांत प्लेट है नॉर्थ अमेरिका प्लेट साउथ अमेरिका प्लेट अंटार्कटिका प्लेट इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट ठीक है ना नंबर ऑफ कितने हैं सिक्स यानी एक प्लेट कौन सा बचा है हमारा वो है यूरेशियन प्लेट इसी के साथ साथ में हम इसी के नीचे लिख लें यूरेशियन प्लेट अब हम देख लें एक दो तीन चार पांच छह सात नंबर ऑफ लार्ज प्लेट्स को कितने प्रकारों में सात प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है जो कि ये हैं अब छोटी है। प्लेटों की संख्या है बीस छोटी प्लेटों में कौन कौन सी प्लेटें आ जाती हैं एक तो नजका प्लेट है ठीक एक हमारा कॉकस प्लेट है ठीक एक कैरिबियन प्लेट है अरेबियन प्लेट है फिलीपीन प्लेट है ठीक हिंदी इंग्लिश का ही चलता है है ना अब ऐसे 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 इत्यादि है ना बीस लिखने की आवश्यकता नहीं है ठीक जो महत्वपूर्ण प्लेटें हैं उनके विषय में हम जान ले जो सूक्ष्म प्लेटें हैं इनकी संख्या मोर देन हंड्रेड हंड्रेड से अधिक है अब छोटी प्लेटें कहां हैं कौन है उस पर बहुत ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है और इतना मान के चलें कि यह आपसे कभी भी पूछा नहीं जाएगा कि छोटी प्लेटें कौन कौन सी हैं है ना या पूछा भी गया तो जुआन फ्यूका वगैरह को हम अभी डायग्राम में देख लेंगे कि कौन कौन सी है ठीक है ना ऐसे में हमने देख लिया कि आकार के आधार पर भी प्लेटें तीन प्रकार की हैं बृहद छोटी और सूक्ष्म इंट्रोडक्शन में हमने प्लेट देख लिया क्या है विवर्तन की देख लिया क्या है प्लेटों के प्रकार को देख लिया हमने कि क्या है और प्लेटों के प्रकार को हमने संरचना के आधार पर भी देख लिया है और आकार के आधार पर भी देख लिया है ठीक है ना अब यह बात आती है कि इन प्लेटों का प्लेटों का वितरण डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लेट्स प्लेटों का वितरण और प्लेटों के वितरण को समझने के लिए हमको एक डायग्राम देखना होगा डायग्राम कैसा ये पूरा का पूरा अर्थ जो है वो ऐसा ओवल शेप में है लेकिन इस अर्थ की स्टडी के लिए ये हटाई दें इसको है ना अर्थ के स्टडी के लिए इस ओवल शेप को आप देखेंगे कि आपके मैप में अटलस में उसको ऐसा ओपन कर दिया गया है यानी ईस्ट टू वेस्ट पूरा का पूरा आप देख सकते हैं कि कौन सा कौन सा किधर किधर, किधर है वैसे ही हम एक डायग्राम बना लेते हैं कि एक तो इधर हमने शायद पहचान में आपके आ जाए उम्मीद करता हूं कि आपको ये पहचान में आएगा इधर ऐसा ठीक ये हमने पूरा का पूरा वर्ल्ड का एक खाका खींच दिया एक आउटलाइन मैप है ना जरूरी नहीं है कि नॉर्थ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका के जैसा ही एग्जैक्ट दिख रहा हो हमको समझना है आप ऐसे समझ लें कि अगर पूरे ये हम लोग मैपिंग में सीखेंगे थोड़ा है ना कि बिल्कुल बेसिक की कैसे मैपिंग स्टार्ट करें है ना मैपिंग में किन बातों को ध्यान देना चाहिए कहाँ जीरो से लेकर के कैसे हमें चलना है ये समझ लें पूरा का पूरा अर्थ है। इस पूरे अर्थ में ये जो हमारा राइट हैंड है ये ईस्ट है जो लेफ्ट हैंड है ये वेस्ट है जो हेड डायरेक्शन इसमें हमको दिख रहा है इसको इरेज ही कर दें इसका फिलहाल कोई मतलब नहीं बन रहा है है ना ये नॉर्थ डायरेक्शन है और ये जो हमको दिख रहा है ये साउथ डायरेक्शन है ये थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा इसको ऐसे मान ले, ऐसा मान लें ठीक ऐसा मान लें अगर हम पश्चिम से चलना स्टार्ट करें वेस्ट से चलना स्टार्ट करें तो ये ओशियन है ये प्रशांत महासागर है और ये प्रशांत महासागर जिस प्लेट से बना हुआ है यही प्लेट कहलाता है प्रशांत महासागरीय प्लेट पैसिफिक ओशियन प्लेट ठीक है ना अब यहां ध्यान क्या देना है आपको कि इस पैसिफिक ओशियन प्लेट के आगे बढ़ने पर आप ईस्ट में अपने राइट हैंड की ओर जाएंगे तो नॉर्थ अमेरिका प्लेट और यह है साउथ अमेरिका प्लेट प्रशांत प्लेट जो है जहां ये महासागरीय प्लेट है वही नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका प्लेटें कैसी प्लेटें हैं महाद्वीपीय प्लेटें हैं ठीक है ना अब यहां एक बात देखिएगा इस वाले रीजन में ऐसा एक छोटा सा प्लेट है ठीक और इसके नीचे भी आएंगे तो आपको एक और प्लेट मिलेगा ये दोनों भी ओशियन प्लेटें हैं जो ऊपर वाला प्लेट हमको दिख रहा है ये है कॉकस प्लेट और यह है नजका प्लेट ठीक और यहां पर भी एक ऐसा हम कर लें नजका प्लेट इसके ऊपर कॉकस प्लेट और यहां पर आप जाएंगे तो आपको छोटा सा एक प्लेट नजर आएगा और वो क्या है जुआन डे फ्यूका प्लेट ठीक है ना अब इसके आगे बढ़ेंगे ये जो है इसका नाम है अस्कोशिया प्लेट ये पूरा का पूरा जो रीजन है ये है अटलांटिक ओशन और इस अटलांटिक ओशन को हम थोड़ा दूसरे कलर में ऐसा कर दें ऐसा कर दे रहे है क्यों हम आगे बात करते हैं कि आखिर ऐसा करने का हमारे आ, हमारा उद्देश्य क्या है ठीक ये कौन सा प्लेट है ये यूरेशियन प्लेट है यह क्या है ये अफ्रीकन प्लेट है ये क्या है ये अरेबियन प्लेट है और यह पूरा का पूरा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को मिला करके इसको इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट बोलते हैं ठीक है ना इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यानी इंडियन प्लेट और ऑस्ट्रेलियन प्लेट को मिलाकर के ये दक्षिण वाला जो प्लेट है यह क्या है अंटार्कटिका प्लेट है यहां पर आप देखेंगे इस वाले रीजन में एक बार फिर आपको मिल जाएगा कौन सा प्रशांत महासागर ये प्लेट ठीक पैसिफिक ओशन प्लेट और इस पैसिफिक ओशन प्लेट के इधर में ये जो आपको मिलेगा ये है फिलीपीन प्लेट ठीक अब हम एक बात कर लें इस पर कि मसला क्या है हमने प्लेट के वितरण को यहां पर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट किया है प्लेट के वितरण में अगर आप देखें तो पूरे के पूरे पृथ्वी पर सात बड़ी प्लेटें हैं बीस छोटी प्लेटें हैं और सूक्ष्म प्लेटों की संख्या सौ से भी अधिक मानी जाती है ठीक है ना या सौ से भी अधिक अभी तक यह बताया गया है कि इतना है लेकिन यह प्लेटें हैं कहां पर अटलस को अगर आप देखेंगे तो अटलस में आपको एक चैप्टर मिलेगा बिल्कुल उसमें आप इंडेक्स वाले में फाइंड कर सकते हैं इंडेक्स वाले में एक चैप्टर मिलेगा हिंदी में लिखता है विश्व प्राकृतिक आपदाएं एवं संकटग्रस्त ग्रस्त जैव्य ये लिखता है हिंदी में इस चैप्टर का नाम इंग्लिश वाले में आप देखेंगे लिखा है कि नेचुरल डिजास्टर ठीक है ना इतना लिखा हुआ है तो इस डिजास्टर वाले चैप्टर पे जाएंगे बिल्कुल मुझे लगता है कि 113 15 17 20 किसी ऐसे पेज पर आपको मिलेगा वहां पर जाएंगे तो बिल्कुल सेम इस तरह का डायग्राम मिल जाएगा उस डायग्राम में आपको क्लियर होगा आप उसको ओपन करके इसको देखेगा कि बिल्कुल पश्चिम में प्रशांत महासागरीय प्लेट है इसके आगे बढ़ेंगे तो उत्तरी अमेरिका प्लेट और दक्षिणी अमेरिका प्लेट दक्षिण अमेरिका प्लेट के पश्चिम में नजका प्लेट इस नजका प्लेट के ऊपर में कॉकस प्लेट और इस कॉकस प्लेट के ऊपर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में आपको जुआंडे फ्यू प्लेट मिलेगा आगे बढ़ेंगे तो अटलांटिक ओशियन मिलेगा अब एक बात ध्यान रखिएगा अटलांटिक ओशियन कोई प्लेट नहीं है अटलांटिक ओशियन कोई प्लेट नहीं है बल्कि अब देखें हम इसको इसीलिए अलग से लिखे थे ऐसा ही रेज कर दिया हमने अटलांटिक ओशन के साथ में है क्या कि इसको ऐसा चार भागों में बांट रहे हैं चार भागों में इसका वन फोर्थ भाग जो है ये यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है ठीक है ना मतलब ये वाला, है, ये वाला भाग इसका हिस्सा है ये वाला भाग इसका हिस्सा है ये वाला भाग इसका हिस्सा है और ये वाला भाग इसका हिस्सा है मतलब अटलांटिक महासागर या अंध महासागर कोई भी प्लेट नहीं है इस अटलांटिक या अंध महासागर के उत्तर पश्चिम का भाग उत्तरी अमेरिका महाद्वीपीय प्लेट का हिस्सा है दक्षिण पश्चिम का भाग दक्षिणी अमेरिका महाद्वीपीय प्लेट का हिस्सा है उत्तर पूर्वी भाग यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है और दक्षिण पूर्वी भाग अफ्रीकन प्लेट का हिस्सा है ठीक है ना इसके आगे हम बढ़ेंगे तो अफ्रीकन प्लेट के ऊपर में यूरेशियन प्लेट यहां अरेबियन प्लेट आगे बढ़े तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट हमको मिल गया इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के आगे बढ़े इधर तो फिलीपीन प्लेट मिल गया इधर फिर पैसेफिक ओशियन प्लेट मिल गया ये पैसेफिक ओशन प्लेट दो तो है नहीं क्योंकि अर्थ कैसा है ओवल शेप में है ठीक तो जो ये है वही ये बाउंड्री है अगर ऐसे जुड़ा हुआ है लेकिन स्टडी के लिए हमने क्या किया इसको ऐसा ओपन कर दिया तो जब ओपन कर दिया तो यही पैसेफिक अगर ये पैसेफिक ओशन प्लेट है तो ये पैसेफिक ओश्चन प्लेट हमने स्टडी के लिए अगर इसको क्या किया कि ऐसा ओपन किया तो एक इधर नजर आ रहा है और एक इधर नजर आ रहा है ठीक है ना तो ऐसे में पैसेफिक ओश्चन प्लेट दो नहीं है प्रशांत महासागरीय प्लेट एक ही है लेकिन स्टडी के लिए ऐसा ओपन करने पर ऐसा नजर आता है तो ऐसे में हमने क्या कर लिया कि इस प्रशांत महासागर सॉरी इन प्लेटों के वितरण को भी देख लिया हमने ठीक अब एक बात देखिएगा इसके बाद में इंट्रोडक्शन में ही हमारा यह है कि प्लेट विवर्तन की सिद्धांत के विकास का इतिहास ठीक है ना और विकास के इतिहास से पहले एक बहुत ही सामान्य बात हमें जाननी है और वो ये है आप हिंदी में दो तरह के शब्दों से आपका पाला कभी पढ़ा होगा एक होता है सीमा और एक होता है सीमान ठीक है ना जिसको बोलते हैं बॉर्डर और फ्रंटियर ठीक है ना देखें है क्या कि सपोज ये एक प्लेट है और एक प्लेट ये है ठीक है ना ये दो प्लेट है और दोनों प्लेटों में एक महाद्वीपीय प्लेट है और एक महासागरीय प्लेट है मान लीजिए सपोज अब इन दोनों प्लेटों के बीच में कोई सीमा रेखा होगी कोई तो सीमा होगी ना तो ये जो है ये वाला एरिया ये इन दोनों के बीच का सीमा क्षेत्र है और ये इनका सीमांत क्षेत्र है है ना मतलब इनकी अपनी बाउंड्री यहां पर समाप्त हो रही है ये इनका सीमा क्षेत्र है बिल्कुल वैसे ही ये जो सीमा क्षेत्र होता है ये क्या है ये एक ट्रांजिशन जोन होता है एक संक्रमण क्षेत्र है बिल्कुल ऐसे इंडिया है इधर नेपाल है आप देखेंगे इन दोनों के बीच में एक संक्रमण क्षेत्र होगा ठीक है ना इस संक्रमण क्षेत्र में जैसे आ, अगर बाउंड्री की बात करें तो उत्तर प्रदेश में ही उत्तर प्रदेश में आप बिल्कुल बढ़ते जाइएगा नेपाल की तरफ बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे तो एक रीजन एक जगह पड़ता है तुलसीपुर पचपेड़वा गैसड़ी ये सब करते करते हो सकता है कि आप में से कुछ लोग जानते हो एक जगह पड़ता है जिसको बढ़नी बोलते हैं है ना? कृष्णा नगर बोलते हैं वहां पर क्या है कि बाउंड्री है इधर नेपाल है और इधर इंडिया है दोनों के बीच की सीमाओं में यह क्या होता है संक्रमण क्षेत्र होता है ठीक है ना इधर भी भवन बने हुए हैं मकान बने हुए हैं और इधर भी मकान बने हुए हैं ठीक है ना मतलब दोनों की अपनी सीमाएं हैं ठीक और उनके बीच का सीमांत क्षेत्र है है ना बिल्कुल ऐसे ही इन प्लेटों के साथ में है और प्लेटो के साथ में भी वही कि इनकी अपनी सीमाएं हैं ठीक उनके बीच में जो क्षेत्र है वो इनका सीमा क्षेत्र है इनकी अपनी सीमांत क्षेत्र भी है ये ध्यान रखेंगे हम ठीक है ना अब हमें क्या देखना है इंट्रोडक्शन में ही हमें ये जानना है कि इस सिद्धांत के विकास का इतिहास टेक्टोनिक थ्योरी के विकास का इतिहास प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के विकास के इतिहास में पहली बात तो हम ये जान लें कि यद्यपि की हम बता सकते हैं कि यद्यपि की प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के प्रतिपादन का श्रेय आप किताबों में पढ़ते होंगे तो वहां पर आपको मिलेगा कि प्लेट विवर्तन के सिद्धांत का प्रतिपादन प्रतिपादन का श्रेय यह किसको जाता है ये जाता है हैरी हैस को जाता है ठीक है ना हैरी हैस को मतलब ये बात कही जाती है कि प्लेट विवर्तना के सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया वो हैरी हैस ने किया लेकिन वास्तव में क्या है हम बता सकते हैं कि प्लेट विवर्तन की सिद्धांत ये कई सिद्धांतों का सम्मिलित परिणाम है मतलब कि यह कोई एक सिद्धांत ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअली अचानक से ऐसा आया इसके पहले कई सारे सिद्धांत थे और उन सभी सिद्धांतों को आधार बनाया गया बेस बनाया गया इस प्लेट विवर्तन के सिद्धांत को प्रतिपादित करने के लिए अब यह बताइए कैसे ऐसे समझ लें मान लें कि हमें जानना है कि कैसे एक सिद्धांत है जिसको बोलते हैं सागर सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत ठीक है ना सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत जो है इसको प्रतिपादित किया था किसने हैरी हैस महोदय ने और सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत यह कहता है बहुत ब्रीफ में हमको समझना यह ओशियन है और यहां तक जल भरा हुआ है पहले तो समझ लें नीतल क्या होता है एक बार समझिएगा महासागरों में जहां तक जल भरा होता है इसको बोलते हैं नीतल इसको बोलते हैं नीतल ठीक है ना सॉरी 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 गड़बड़ हो गया ये जहां तक जल भरा होता है इसको बोलते हैं तल महासागरों में जहां तक जल भरा होता है इसको बोलते हैं तल इंग्लिश में इसको बोलते हैं लेबल है ना बोलते हैं ना ओशन लेबल बढ़ रहा है जहां से जल भरा हुआ है इसको बोलते हैं नीतल और इस नीतल के लिए एक और टर्म का प्रयोग किया जाता है और वो है वीतल मतलब इसको हम नीतल बोलें या वीतल बोलें दोनों एक ही बातें हैं इस सिद्धांत में यह कहा गया कि ये जो महासागरों का नीतल है ये स्थिर नहीं है बल्कि यह कैसा हो रहा है गतिशील हो रहा है है ना मतलब यह अपनी जगह से आगे भी टूट के आगे बढ़ रहे हैं या कैसे आगे बढ़ रहे हैं यह अलग का बात है और मजेदार बात यह है कि सामान्य अध्ययन में भी आपको सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत को जानना होगा इसी तरह से इसके बाद में एक सिद्धांत आया जिसका नाम है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत और इस महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था वेगनर्स महोदय ने जब महासागर सागर नीतल प्रसन्न सिद्धांत आया सागर नीतल प्रसण सिद्धांत में कहा गया कि जो महासागरीय नीतल है वो स्थिर नहीं है बल्कि गतिशील है उसके बाद में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत आया और महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में यह कहा गया कि जो महाद्वीपीय भाग हैं महाद्वीपीय भाग भी कैसे हैं गतिशील है अब देखिएगा दोनों को गतिशील एक्सेप्ट कर लिया गया महाद्वीप को भी और महासागरों को भी इसके बाद में कुछ और बातें पता चली और वो बातें क्या हैं? वो है चट्टानों की विशेषताएं ठीक है ना करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रॉक्स जैसे देखें बसाल चट्टाने हैं जैसे बसाल्ट रॉक है और जैसे ग्रेनाइट रॉक है है ना बसाल्ट और ग्रेनाइट रॉक्स के विषय में जानकारी मिली और क्या कि इस बसाल्ट रॉक्स का घनत्व इसका डेंसिटी अधिक है किससे ग्रेनाइट की डेंसिटी से ये बातें पता चली साथ ही साथ में कुछ और बातें जैसे पृथ्वी का घूर्णन रोटेशन ऑफ अर्थ इसके बारे में भी खूब जानकारी रही इसको भी शामिल किया गया इसके साथ में पूरा चुंबकत्व पूरा चुंबकत्व जिसको इंग्लिश में पैलियो मैग्नेटिज्म कहा गया ठीक है ना पैलियो मैग्नेटिज्म क्या है पूरा चुंबकत्व ये अर्थ के मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से रिलेटेड है और उसमें इन मुद्दों को देखा जाता है अर्थ के ओरिजिन से लेकर के आज तक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में क्या किसी तरह से चेंज हुआ है इस विषय का संबंध या इस मुद्दे का संबंध पैलियो मैग्नेटिज्म से है और इसके साथ साथ में एक और मुद्दा आया वो क्या है तैराव का नियम लॉ ऑफ फ्लोटेशन ठीक अब देखिएगा ये सारे के सारे एग्जिस्ट कर, कर चुके थे और इन सबके एग्जिस्टेंस के बाद इन सभी को देखें ये जो आ, हमने ड्रॉ किया इसमें इसमें सारे के सारे इस ब्लॉक के अंदर सारे के सारे आ गए ठीक है ना मतलब सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत चट्टानों के विशेषताएं पृथ्वी का घूर्णन पुरा चुंबकत्व तैराव का नियम इन सब का सम्मिलित प्रभाव यह रहा कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी अस्तित्व में आ गया मतलब कि इन सभी का सम्मिलित प्रभाव ऐसा हुआ कि प्लेट विवर्तन के सिद्धांत को प्रपोज कर पाना आसान हुआ जिसको प्रपोज करने का श्रेय जिसको प्रतिपादित करने का श्रेय जाता है हैरी हैस महोदय कर अब देखिएगा एक व्यक्ति है मैकेंजी एक व्यक्ति हैं मैकेंजी और एक और सज्जन है जिनका नाम है क्या पार्कर ठीक है ना मैकेंजी और पार्कर ये दोनों लोगों ने क्या किया कि 1967 में 1967 में इन दोनों ने मिलकर के प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को व्यवस्थित रूप प्रदान किया मतलब अब समझिएगा कि प्लेट विवर्तन की सिद्धांत के प्रतिपादन का श्रेय हालांकि जाता है किसको हैरी हैस महोदय को लेकिन ये कोई एकल सिद्धांत नहीं है बल्कि कई सिद्धांतों का सम्मिलित प्रयास है और इन सम्मिलित इन सिद्धांतों में हमने देख लिया क्या है और 1967 में इस प्लेट विवर्तन की सिद्धांत को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है मैकेजी और पार्कर को अब एक बात समझिएगा कि यहां पर हम एक वेन डायग्राम थोड़ा रीजनिंग टाइप का एक वो बना लें और वो ये है आपके सेलेबस में ये भी है ये भी है ये भी है ये भी है ठीक ये, ये तो मान लीजिए कि बहुत गुड़ में ऑप्शनल वालों को जानना होता है और इसका संबंध साइंस एंड टेक और ज्योग्राफी दोनों से है ठीक मतलब जियोटेक टाइप का ये है ठीक है ना और तैराव का नियम तो आपको अपने साइंस वाले पार्ट में जानना होता है लॉ फ्लोटेशन हमें इन सबको पढ़ना है है क्या कि प्लेट विवर्तना की सिद्धांत से पहले सागर नीतल प्रसन्न सिद्धांत आ चुका था महाद्वीपीय स्थान सिद्धांत आ चुका था ठीक चट्टानों की विशेषता तो मान लीजिए अलग है पृथ्वी का घूर्णन हम लोग देख ही चुके हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन कर रही है तो क्यों कर रही है इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं बहुत डिटेल में अब होना तो ये चाहिए था कि हमें पहले सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत पर चर्चा करनी चाहिए थी फिर उसके बाद में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पर फिर उसके बाद में हमको प्लेट विवर्तन के सिद्धांत पर लेकिन अगर हम प्लेट विवर्तन के सिद्धांत को देखें तो क्योंकि प्लेट विवर्तन की सिद्धांत इन सभी का सम्मिलित प्रयास है तो कहीं ना कहीं प्लेट विवर्तन के सिद्धांत में हमको यह भी नजर आ जाएगा ये भी नजर आ जाएगा मतलब बिल्कुल वैसा नजर नहीं आएगा जैसा इनमें कहा गया है लेकिन फिर भी अगर हम इसको मान लें कि ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है ठीक है तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी मतलब सागर नीतल प्रसारण सिद्धांत भी आ जाएगा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत भी आ जाएगा करैक्टरिस्टिक्स ऑफ रॉक्स चट्टानों की विशेषताएं यह भी आ जाएगा रोटेशन ऑफ अर्थ रोटेशन ऑफ अर्थ यह भी आ जाएगा पैलियो मैग्नेटिज्म यह भी आ जाएगा लॉ ऑफ फ्लोटेशन ये भी आ जाएगा है ना मतलब ये सारे के सारे प्लेट विवर्तन के सिद्धांत में हमको दिख जाएंगे इनकी झलक हमें दिख जाएगी तो अगर प्लेट टेक्टोनिक के बाद हम इन मुद्दों को स्टडी करते हैं तो समझ पाना हमारे लिए और भी आसान होगा तो ऐसे में यह हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट कंप्लीट होता है और इंट्रोडक्टरी पार्ट के बाद आप देखेंगे कि प्लेट विवर्तन की सिद्धांत में हम लोगों ने सबसे पहला देखा था परिचय और यह परिचय ही अपने आप में काफी बड़ा है परिचय के बाद में हमें क्या है देखना यह है कि प्लेटों की गतिशीलता के कारण ठीक है ना सेकंड अप्रोच है हमारा ऐसे समझ लें टेक्टोनिक थ्योरी के अनुसार यह बताया गया कि जो प्लेटें हैं यह प्लेटें स्थिर अवस्था में ना होकर कैसी हैं गतिशील हैं ये प्लेटें स्थिर अवस्था में ना होकर के गतिशील हैं ठीक है ना अब ये प्लेटें अगर गतिशील हैं तो हमें जवाब ढूंढना है कि इन प्लेटों की गतिशीलता का कारण क्या है ठीक है ना जहां इनके गतिशील होने के कारण क्या है हमें इस पर बात करनी है ठीक है ना मतलब कॉज ऑफ प्लेट मूवमेंट इसमें देखें सबसे पहला कारण हमें क्या है देखना यह है पृथ्वी का घूर्णन देखें इसमें कितने कारण हैं एक बात और समझिएगा किसी भी एक कार्य के लिए कभी भी कोई एक कारण उत्तरदायी नहीं होता या नहीं हो सकता है हो सकता है कि किसी एक कार्य के लिए कोई एक कारण रिस्पॉन्सिबल हो तो आवश्यक नहीं है कि ना हो हो सकता है लेकिन सामान्यतः किसी एक कार्य के या किसी एक घटना के घटित होने के लिए एक से अधिक कारण उत्तरदायी होते हैं ठीक है ना जिसमें प्लेटों की गतिशीलता की अगर हम बात करें तो इसमें पृथ्वी का घूर्णन हो गया दूसरा क्या है गुरुत्व बल हो गया ठीक अगला क्या है मैग्मा का संवहन तरंग के रूप में प्रवाह ठीक है ना यह भी एक कारण है ठीक इसके साथ साथ में स्लैब खिंचाव एवं स्लैब दबाव, ठीक स्लैब पुल एंड स्लैब पुश, यह भी एक कारण है और देखिएगा एक कारण हमको देखना है मेंटल प्लूम और यूपीएससी में यूपीएससी ने मेंस में मेंटल प्लूम के विषय में पूछा हुआ है कि मेंटल प्लूम को स्पष्ट कीजिए यह प्लेटों की गतिशीलता के लिए किस प्रकार उत्तरदायी है ठीक है ना इसमें से पहला हम देखते हैं पृथ्वी का घूर्णन और गुरुत्व बल हम क्या करेंगे इन दोनों को एक साथ में देख लेते हैं ठीक है ना जैसे अर्थ जो है यह अपने एक्सिस पर रोटेट कर रहा है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट लेकिन उसके पहले एक बात हम जान लें अगर आप क्या करें एक शीशे का ग्लास लें ठीक एक शीशे का ग्लास ले लें और शीशे का ग्लास शब्द आते ही कुछ और दिमाग में नहीं आना है है ना कि मतलब शीशे का ग्लास ले लिया तो कुछ और इसमें डाला जाए पानी इसमें डालिए और यहां तक आपने ऐसा वाटर डाल दिया वाटर को फुलफिल कर दिया अब आप हाथ से इस ग्लास को पकड़ के और ऐसे घुमाना स्टार्ट कीजिए ऐसे घुमाना स्टार्ट कीजिए ठीक है ना अगर आपने ग्लास को इधर से इधर की ओर घुमाया प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं आप अगर आपने ग्लास को वेस्ट टू ईस्ट घुमाया तो आप यह देखेंगे कि यह जो वाटर है यह वाटर ईस्ट टू वेस्ट की ओर गति करेगा आप कभी देख लीजिएगा ठीक है ना कि अगर आप ग्लास को ऐसा घुमाते हैं तो जिस दिशा में आप ग्लास घुमा रहे हैं जो पानी है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहा है ठीक यहां इसका रीजन यह है कि इसका जो ये बेस है ये बेस का मीडियम है सॉलिड और इसमें जो वाटर है भाई वाटर क्या है लिक्विड है इसका मतलब कि अगर दोनों माध्यमों के पदार्थ की अवस्थाएं एक ना होकर अलग अलग हैं तो इनमें गतिशीलता उत्पन्न होने पर इनकी गति की दिशा एक ही तरफ नहीं होगी एक बात अब हम इस पर बात कर लें हमें पता है कि अर्थ की सतह से केंद्र तक की दूरी 6370 किलोमीटर है इस 6370 किलोमीटर की दूरी को क्रस्ट मेंटल और क्रोड में बांटा गया है देखें ये कॉन्सेप्ट ऐसा है कि बिल्कुल ज्योग्राफी का सोल है ये जियो का और यहाँ पर मेंटल वाले भाग में क्या है ये दुर्बल मंडल क्षेत्र है और इस दुर्बल मंडल क्षेत्र में जो चट्टाने हैं वो कैसे सुघट्य अवस्था में है ये पिघली हुई अवस्था में है ठीक है ना और अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट कर रहा है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन कर रहा है और इस दुर्बल मंडल के ऊपर का जो भाग है ये सॉलिड है और इसी सॉलिड वाले पार्ट को क्या कहते हैं प्लेट कहते हैं ये पूरा का पूरा ठीक है ना तो जब ही दुर्बल मंडल वाले भाग पर ऊपर ठोस प्लेट अवस्थित है और यह ऐसे संचार कर रहा है इसको हम मान लें प्लेट है और यह दुर्बल मंडल वाला भाग है और अगर यह ऐसे रोटेट कर रहा है तो यह क्या करेगा इसी पर सरकेगा ठीक क्योंकि दोनों का माध्यम क्या है अलग अलग है ये जहां सॉलिड है वहीं ये सुघट अवस्था में है प्लास्टिक स्टेज में पिघली हुई अवस्था में ऐसा 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 ठीक है ना तो हम बोल सकते हैं चूंकि पृथ्वी पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या करती है वेस्ट टू ईस्ट घोड़न कर रही है और इसका प्रभाव यह होगा कि ठोस प्लेट ये सुघट्य अवस्था वाले दुर्बल मंडल पर क्या करेगी संचरण करती है कुछ किताबों में इसके लिए संचरण की जगह पे तैरना शब्द का भी प्रयोग किया गया है कुछ जोग्राफर्स ने भी तैराओं या तैरना शब्द का प्रयोग किया हुआ है ठीक है ना बहरहाल हमें यह जान लेना है कि दुर्बल मंडल का मीडियम अलग है प्लेट का मीडियम अलग है अर्थ रोटेट कर रही है तो वो उस पर क्या कर रहा है सरक रहा है अब आएंगे हम किस पर गुरुत्व तो बल वाले मसले पर ठीक है ना ऐसा समझ लें अर्थ है और इस अर्थ का ये मिड पॉइंट है इसका अगर हम पूरा का पूरा पूरा का पूरा देखें सर्कल तो इसका जो सर्कल बनेगा वो इधर ये ऐसे हमने बने ये उधर का है मतलब 3D तो नहीं बन सकता लेकिन हमने ड्रॉ कर दिया उधर का ये पोलर रीजन की बात हो गई और इस पोलर रीजन पर भी हम बनाए तो ऐसे बना सकते हैं ठीक है ना है। है ऐसे मान लें अगर हम इसका और इसका इन दोनों क्षेत्रों का ये देखें कि, कि किसकी त्रिज्या कहां पर कितनी है आप देखेंगे कि जो पोलर रीजन है ये पोल है और नॉर्थ पोल है इस नॉर्थ पोल की त्रिज्या कम है जबकि इस इक्वेटर या इस विश्व क्षेत्र की त्रिज्या इसकी त्रिज्या अधिक है और हमें यह पता होना चाहिए हम लोगों ने बात भी कर रखा है कि अगर त्रिज्या अधिक होगी तो गुरुत्व का प्रभाव कम होगा तो त्रिज्या अधिक है तो यहां पर गुरुत्व का प्रभाव कम होगा और यहां त्रिज्या कम है तो गुरुत्व का प्रभाव अधिक होगा ठीक है ना ऐसे कंडीशन में वह कौन सा क्षेत्र होगा जहां पर गतिशीलता अधिक होगी कम त्रिज्या वाले क्षेत्र में या अधिक त्रिज्या वाले क्षेत्र में अधिक त्रिज्या वाले क्षेत्र में क्यों क्योंकि अधिक त्रिज्या होने के कारण गुरुत्व का प्रभाव कम होता है इसका मतलब पकड़ उस पर तुलनात्मक रूप से कम होती है कमजोर होती है तो उसमें गतिशीलता अधिक होगी ऐसे कंडीशन में इसका प्रभाव यह हो जाता है कि जो प्लेटें हैं ये प्लेटें किधर से ये विश्वत रेखा से किधर की ओर ध्रुवों की ओर गतिशील हो जाती हैं। मतलब बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन इंपैक्ट ऑफ ग्रेविटी प्लेट्स मूव टूवर्ड्स पोलवर्ड ठीक है ना ये विश्वत रेखा से ध्रुवों की ओर गतिशील होती हैं अगला हमको देखना है रीजन मैग्मा का समान तरंगों के रूप में प्रवाह तो नेक्स्ट जो है देख लें हम लोग देखें ऐसे तो प्लेटों की गतिशीलता के उत्तरदायी कारकों में इतने सारे कारक हमने देख लिए है ना इनमें से नेक्स्ट जो हमारा है यह मैग्मा का संवहन तरंगों के रूप में प्रवाह एक बात ये जान लें कि मैग्मा का संवहन तरंगों के रूप में प्रवाह को लेकर के एक थ्योरी दी गई और इस सिद्धांत को कहा गया मैग्मा का सम्मन तरंग सिद्धांत और मैग्मा के सम्म तरंग सिद्धांत को दिया किसने होम्स महोदय ने जिनका पूरा नाम क्या है आर्थर होम्स ठीक है ना आर्थर होम्स ने मैग्मा के सम्म तरंग सिद्धांत के बारे में बताया देखे तो ये सम्मन तरंग सिद्धांत कहता क्या है इस सम्मोहन तरंग सिद्धांत के अनुसार सपोज ये क्रस्ट का पार्ट है ये क्रस्ट का पार्ट है और इसके नीचे जाने पर है ना ये क्रस्ट का लोअर पार्ट है ये ये थिकनेस है ठीक है मजबूरी है कि हम थ्री डी स्ट्रक्चर यहां पे बना नहीं सकते और एक बात समझिएगा आप वीडियो देख लो इमेज देख लो खूब ठीक है समझ में आ जाएगा कि ये ऐसा है ऐसा है लेकिन डायग्राम आपको क्लास आ, मेंस में आंसर राइट जब आप लिखेंगे तो आपको बनाना ही बनाना है वहां पर तो ये नहीं कर सकते कि एक चिप लेके गए कि इसमें है आप देख लीजिएगा और नंबर दे दीजिएगा ऐसा तो कुछ है नहीं इस सरफेस के नीचे यानी पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाने पर हम एक बार फिर बात करें कि जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ेगा बत्तीस मीटर पर एक डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ेगा और सौ से दो सौ किलोमीटर की गहराई पर इंपैक्ट यह होगा कि चट्टाने पिघली हुई अवस्था में होंगी और वह क्षेत्र जहां पर चट्टाने पिघली हुई अवस्था में है उसको कहते हैं दुर्बल मंडल इस दुर्बल मंडल वाले क्षेत्र से गर्म तप्त मैग्मा ऊपर की ओर उठेगा क्यूं? क्यों क्योंकि भाई देखे गर्म मैग्मा है गर्म है उसके पास में एनर्जी ज्यादा है और जैसा कि हम जानते हैं कि जितनी ज्यादा ऊर्जा होगी स्थिरता उतनी कम होगी और जितनी कम ऊर्जा होगी स्थिरता उतनी ज्यादा होगी अब यह मैग्मा ऊपर की ओर उठा ठीक अब मान लेते हैं हम इसको ये ए ये बी ये सी और ये डी है ना पिछले क्लासेस में भी हमने इस पर चर्चा किया हुआ है आप देख सकते हैं उसको ए बी सी डी ये ऊपर की ओर आ रहा है एक ए के टाइम पर यहां पर जितना ज्यादा इसके पास में एनर्जी है जितना ज्यादा तापमान है बी पर उससे कम होगा सी पर उससे कम होगा और डी पर उससे कम होगा अगर यह आरोहित मैग्मा इतना ज्यादा पावरफुल है कि यह क्रस्ट को तोड़कर बाहर की ओर निकल आए तो इसमें घटना घटेगी जिसको बोलेंगे ज्वालामुखियता ठीक लेकिन अगर यह इतना ताकतवर नहीं है कि इसको तोड़ के बाहर निकल आए तो ज्वालामुखियता की घटना तो होगी नहीं लेकिन लगातार ये यहां पर आता रहेगा आता रहेगा आता रहेगा और ये जो भाग है ये हम बोल सकते हैं कि क्रस्ट के निचले भाग है ना लोअर पार्ट ऑफ क्रस्ट ठीक है क्रस्ट है क्रस्ट के निचले भाग पर लगातार इस मैग्मा का मैग्मा का क्या होता रहेगा टक्कर होता रहेगा कोलिजन होता रहेगा अब आप देखें कि अगर कभी आपने लोहार को या लोहार के उस पर लोहे को पिघलाते हुए देखा हो या लोहे की रॉड को पिघलाते हुए देखा हो तो आप देखेंगे कि जैसे ये लोहे का रॉड है यहां से फायर है ये यह, यहां पर ये इसको लगातार आग टकरा रहा है टकरा रहा है टकरा रहा, रहा है तो आप देखेंगे ये ऐसे टूटना ब्रेक होता है ऐसे ऐसे हम बात करें कैसा या कैसे समझ लें सपोज ये लकड़ी का टुकड़ा है ठीक और क्या किया कि नीचे से फोर्स लगाया गया ऐसे मान लें कि ये ये फोर्स है ये मैग्मा है जो ऊपर की ओर आ रहा है और ये लकड़ी का टुकड़ा है ऐसे ये कोई टुकड़ा इस पर आप देखेंगे कि इस जगह पर जहां पर ये आ करके टकरा रहा है लगातार इसको नीचे से तोड़ना स्टार्ट करेगा नीचे से क्यों क्योंकि इधर से जब ये फोर्स करेगा तो ऐसे टिल्ट होगा ये ऐसे ये मुड़ेगा और मुड़ेगा तो ऊपर वाले सरफेस पर तनाव बढ़ेगा और तनाव बढ़ेगा तो ये कुछ ऐसे टूटना स्टार्ट करेगा सपोज ये इतना मोटा परत है अब नीचे से आया तो टूटना होगा तो ये ऐसे क्या है? ऐसे बेंड होगा ऐसे मुड़ेगा 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 पहले ये परत टूटेगी फिर ये परत टूटेगी फिर ये परत टूटेगी और फिर ये परत टूटेगी और फाइनली ये ऐसे ध्यान दीजिएगा ऐसे ऐसे टूटकर अलग होगा ठीक है ना सेम कंडीशन यहां पर है क्या कि यहां पर ये जो मैग्मा सम्मानीय तरंगों के रूप में आ रहा है इसे टकरा रहा है और टकरा करके छैतीस रूप में इधर और इधर इन दोनों तरफ जा रहा है अब आप देखेंगे कि ए पर मैग्मा का तापमान डी की अपेक्षा बहुत ज्यादा है डी पर तापमान कम है और डी पर टकराने के साथ ये तोड़ नहीं पाया तो छैतीस रूप में दोनों तरफ गया और दोनों तरफ जब ये गया तो इस तरफ में इसका टेम्परेचर पहले से और कम हो जाएगा और जैसे ही तापमान इसका पहले से कम होगा जो इसके मॉलिक्यूल्स होंगे जो चट्टानों के पिघले हुए पदार्थ हैं उनके कणों के बीच में दूरी कम होती जाएगी क्यों क्योंकि टेम्परेचर कम है और जब ये पास पास में आना शुरू होंगे तो इनका जो डेंसिटी होगा जो घनत्व तो होगा वो बढ़ जाएगा और जैसे ही इनका डेंसिटी बढ़ेगा अर्थ का ग्रेविटी क्या कहेगा कि आओ अब पुनः कहां आ जाओ नीचे की ओर आ जाओ तो ये पूरा का पूरा जो सर्कल बना ये ऐसे ऊपर की ओर आना टकराना इधर जाना फिर वापस आना ऊपर की ओर जाना टकराना फिर इधर आना फिर वापस आना ठीक है ना इस प्रकार के मैग्मा के प्रवाह को ही क्या बोलते हैं कि ये क्या हो रहा है मैग्मा का संवहन तरंगों या धाराओं के रूप में प्रवाह हो रहा है अब यह बात ठीक है, है ये तो बात हो गई लेकिन मैग्मा के इस प्रकार सम्मन धाराओं के रूप में प्रवाह से प्लेटों के गतिशीलता का क्या तात्पर्य है या कौन सा रोल इन्होंने ऐसा प्ले कर दिया कि प्लेटों में गतिशीलता गई? अब इसको हम ऐसे समझ लें ठीक ये प्लेट है और इस प्लेट पर नीचे से ये मैग्मा आकर के टकरा रहा है जब ये टकराएगा तो लगातार इस टकराएगा तो ये ऐसे मुड़ेगा ऐसे मुड़ेगा तो ये नीचे से नहीं टूटना स्टार्ट होगा ये ध्यान रखिएगा फोर्स तो नीचे से लग रहा है लेकिन टूटना ये ऊपर से स्टार्ट होगा और यहां से ऐसा और ये टूटते टूटते ऐसा ब्रेक होगा ऐसा ब्रेक होगा ऐसा ब्रेक होगा और ये प्लेट पतली हो जाएगी <स्थाँगा> अगर आपने कभी कोई लकड़ी का टुकड़ा तोड़ा हो तो आप देखें कि किसी लकड़ी के मोटे से मतलब इतना कि आप तोड़ ले जाएं टुकड़े को लें और ऐसे पकड़ के ऐसे तोड़ें अंगूठा यहां नीचे लगाया और ऐसे फोर्स लगा रहे हैं ऐसे अंगूठे से ऊपर भी दबा रहे हैं ऊपर भी दबा रहे हैं और इन दोनों से नीचे की ओर भी ऐसे खींच रहे हैं ऐसे खींच रहे हैं तो आप देखेंगे कि वो लकड़ी ऊपर से टूटना स्टार्ट होती है समथिंग लाइक दिस कि ये लकड़ी का टुकड़ा है आपने ऐसा अंगूठा लगाया ये इधर इधर भी झुकना स्टार्ट हुआ और आप देखेंगे यहां से ऐसे 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 ऐसे, ऐसे ब्रेक होना स्टार्ट होता है मान लीजिए कि शुरुआत में ये लकड़ी इतना ब्रेक हो गया तो अब लकड़ी की मोटाई पहले से क्या हो गई कम हो गई ठीक मोटाई कम हो गई यानी पतला हो गया यहां पर जब इस तरह से प्लेटों के साथ में घटना घटती है तो इसको बोलते हैं अंत प्लेट विरलन ठीक अंत प्लेट विरलन विरलन का मतलब क्या होता है विरलन का मतलब होता है पतला होना ठीक है इंग्लिश में इसको थिनिंग बोलते हैं ठीक है ना ऐसा हो गया अब देखेंगे कि धीरे 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 जब यह अंत प्लेट विरलन होगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये प्लेट दोनों ये ये भाग दो प्लेटों के रूप में टूटकर अलग हो जाएगा अब ये जो मैग्मा ऊपर की ओर आ रहा था ये मैग्मा का चैंबर है जहां से यह मैग्मा आ रहा है ये मैग्मा बाहर की ओर भी निकलेगा भाई इन दोनों के सरफेस तक भी आ जाएगा और इनका जमा होगा लेकिन जितना मैग्मा नीचे से ऊपर की ओर आना स्टार्ट हुआ वो सारा का सारा मैग्मा बाहर नहीं निकलेगा ठीक कुछ मैग्मा इधर भी जाएगा ऐसे हम मान लें इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा अब चूंकि मैग्मा चट्टानों की पिघली हुई अवस्था है या चट्टाने जब पिघली हुई अवस्था में होती हैं पृथ्वी के आंतरिक भाग में तो उसे ही मैग्मा बोलते हैं और ये जो प्लेट है ये सॉलिड है ये क्या है ये सॉलिड प्लेट है अब ये इधर की ओर जाएगा अब ऐसे मान लें कि ये सॉलिड प्लेट है और ये वो मैग्मा है ऐसे आया ये इसके नीचे अब ये तोड़ करके इधर गया तो ये अपने साथ क्या करेगा इसको आगे की ओर बढ़ाता ले जाएगा आगे की ओर लेकर के चला जाएगा तो यहां पर भी इसके कारण ये प्लेटें इधर की भी ओर गति करेंगी और इधर की ओर भी गति करेंगी और प्लेटों में गतिशीलता स्टार्ट हो जाएगा प्लेटों की गतिशीलता से संबंधित दिए गए सिद्धांतों में मैग्मा का संवहन तरंगों के रूप में प्रवाह सबसे मान्य और महत्वपूर्ण सिद्धांत है ठीक है ना अब प्लेटों की गतिशीलता से संबंधित जो अगला मसला आता है वो आता है स्लैब खिंचाव एवं स्लैब दबाव इसको समझ लें हम लोग स्लैब का मतलब होता है भार ठीक या भार युक्त इसमें क्या होता है कि अगर कोई दो प्लेटें हैं ऐसे हम मान लें इसको ऐसा ये प्लेट इधर ये प्लेट इधर ठीक कैसे हुआ ये? इधर एक प्लेट कोई था जो टूट करके इससे दूर चला गया और इधर में एक कोई प्लेट था जो इससे टूट करके इधर की ओर चला गया अब ये दोनों प्लेटें जब आएंगी और मान लें ये पी है पी का मतलब ओशन प्लेट है और ये पी है पी का मतलब कॉन्टिनेंटल प्लेट है महाद्वीपीय प्लेट हम पहले ही बात कर चुके हैं कि महासागरीय प्लेट का घनत्व जो ओशन प्लेट का घनत्व होता है ये महाद्वीपीय प्लेट के घनत्व की तुलना में अधिक होता है जब ये दोनों पास में आएंगे तो दोनों के बीच में होगा टक्कर और जैसे ही इन दोनों के बीच में कोलिजन होगा टक्कर होगा अधिक घनत्व वाले प्लेट पर लगने वाले गुरुत्व का प्रभाव भी अधिक होगा और ये अधिक घनत्व वाला प्लेट क्या होगा नीचे की ओर चला जाएगा इस तुलनात्मक रूप से कम घनत्व वाले कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे अब एक बात ध्यान देंगे कि ये वाला एरिया अब ये वाला एरिया चूंकि और अंदर चला गया अंदर चला गया तो इस पर इंपैक्ट ऑफ ग्रेविटी इस पर इंपैक्ट ऑफ ग्रेविटी पहले से क्या होगा बढ़ जाएगा क्यों क्योंकि नीचे जाने के कारण पृथ्वी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी से इसकी दूरी अब और कम हो जाएगी मतलब यह उसके और नजदीक पहुंच जाएगा तो जब ये इस पर ग्रेविटी का इंपैक्ट बढ़ जाएगा तो और तेजी से खींचा जाएगा और इसी तेजी से खींचने को यहां पर बोलते हैं क्या स्लैब खींचाओ बोलते हैं इसको ठीक है ना और ये वाला पॉइंट जहां से यह टर्न होकर के नीचे की ओर गया जहां से टर्न होकर के नीचे की ओर गया इसको बोलते हैं स्लैब दबाव, ठीक स्लैब पुल और इसको बोलेंगे स्लैब पोस्ट कैसे ऐसा मान लें कि यह एक प्लेट है ठीक और यह दोनों आकर के ऐसे आपस में टकराए और जब ये टकराए इस वाले प्लेट का घनत्व तो अगर ज्यादा है तो यह प्लेट क्या होगा ऐसे नीचे जाएगा और जब नीचे की ओर जाएगा तो अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी से इसकी दूरी कम होगी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से इसकी दूरी कम हुई तो ये तेजी से नीचे की ओर खींचा जाएगा तो ये वाला एरिया जहां पर इसको ऐसे ऐसे समझ पर ये खींचा जा रहा है ये यहां पर जो लगने वाला बल होगा इस बल को बोलेंगे स्लैब खिंचाओ और जहां से ये मुड़ के आया ये इस जगह पर इसको बोलेंगे स्लैब दबाओ तो ऐसे स्थिति में स्लैब खिंचाव और स्लैब दबाव के कारण भी प्लेटों में गतिशीलता उत्पन्न होती है ठीक है ना अब देखें इसके अतिरिक्त तो जो प्लेटों की गतिशीलता के लिए उत्तरदायी अन्य कारक है वो है मेंटल प्लूम देखें मेंटल प्लूम नाम में एक मेंटल टर्म है जिसका मतलब हम लोग जानते हैं कि भाई क्रस्ट के नीचे का भाग ठीक है ना टर्म थोड़ा सा हमारे लिए नया है हम इसको ऐसे समझ लें कि अर्थ का ये क्रस्ट वाला भाग है इस क्रस्ट वाले भाग के नीचे जाने पर मेंटल का भाग है और इस मेंटल वाले भाग में ही क्या है चट्टाने पिघली अवस्था में है जिसको बोलते हैं दुर्बल मंडल और इसके नीचे का भाग क्या है कोर है सपोज यहां से कोर है ठीक है ना अब ये दूरी मत मापिएगा ये डायग्राम ऐसा बना है ठीक है ना क्या है कि इस मेंटल वाले भाग में इस मेंटल वाले भाग में आप्रत्याशित आप्रत्याशित रूप से गर्म चट्टाने होती हैं अप्रत्याशित रूप से गर्म चट्टाने होती हैं मतलब इनका तापमान बहुत ज्यादा होता है कई बार क्या होता है कि इस कोर वाले भाग से भी कुछ मटेरियल मूव करके क्योंकि टेम्परेचर इनका भी ज्यादा है टेम्परेचर ज्यादा है तो मोबिलिटी होगी और ये क्या करते हैं यहां की ओर पहुंच जाते हैं मतलब कुछ पदार्थ कोर वाले भाग से भी इस मेंटल वाले भाग यानी ऊपर की ओर आ जाते हैं इस मेंटल वाले भाग में जहां पर चट्टाने अप्रत्याशित रूप से गर्म है यहां ये चट्टाने एक स्तंभ के रूप में ऊपर की ओर आ जाती हैं ऐसा स्तंभ के रूप में आती हैं, स्तंभ का मतलब एक पिलर के रूप में ऊपर आती हैं, और पिलर के रूप में आती अब लगातार आ रही हैं, ऐसा तो है नहीं कि एक बार आया और बंद हो गया लगातार आ रही हैं आ रही हैं आ रही हैं आ रही हैं और आते हुए इसके नीचे ये फैलना स्टार्ट करती हैं अब ऐसा मान लें कि ये सारे के सारे फैल गए ये सारे के सारे हैं है ना? ये जो है इसको कॉलम बोलते हैं या हम बोलते हैं ये क्या है इसका स्तंभ है ठीक है ना स्तंभ है और ये स्तंभ के रूप में जो ऊपर की ओर आते हैं मेंटल वाले भाग से अप्रत्याशित गर्म चट्टाने इसी को बोलते हैं मेंटल प्लूम ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है इसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं मेंटल प्लूम और इस मेंटल प्लूम में ये जो स्तंभ वाला भाग है इस स्तंभ वाले भाग के लिए टर्म यूज किया जाता है टेल मतलब पूंछ ये मेंटल प्लूम का टेल वाला भाग है पूंछ वाला भाग है और ऊपर जा करके ये इकट्ठा जहां पर होते हैं ठीक ये इसका हेड है ठीक ये इसका हेड है और हेड वाले एरिया में जहां पर ये चट्टाने इकट्ठी होती जाती हैं इसका अगर आकार आप देखें तो ये मशरूम के जैसा हो गया है मशरूम के जैसा है ठीक है ना इसीलिए इस प्रकार के स्ट्रक्चर को मशरूम प्लूम भी बोलते हैं या इसको टोपी प्लूम भी बोलते हैं कैप के जैसा स्ट्रक्चर है ठीक है ना होता क्या है कि अगर आप ध्यान दें तो ये जो मेंटल प्लूम वाला भाग जो ऊपर की ओर आया ये ऊपर की ओर आकर के फैल गया और जब ये फैल गया तो क्योंकि ये मोल्टेन फॉर्म में है तो इस प्लेट वाले भाग पर ये तनाव उत्पन्न करेगा कैसे ये प्लेट है ठीक यहां से आया और ये इकट्ठा हो गया अब गर्म है गर्म है तो इस पर भी क्या करेगा इसको भी टेंशन देगा इसको भी तनाव इसके लिए उत्पन्न करेगा और एक टाइम के बाद क्या हो जाएगा कि ये इस मेंटल प्लूम की वजह से ये ब्रेक होना स्टार्ट होगा और ब्रेक होके इसी वाले भाग पर जो आगे की ओर ये संचरित हो रहे हैं ये प्लेटें भी क्षैतिज रूप में विपरीत दिशाओं में गति करना स्टार्ट कर देंगे और ये जो गति का कारण है इसी को मेंटल प्लूम कहा जाता है अब देखिएगा कि मेंटल प्लूम में समझ लें कि मेंटल प्लूम में और मैग्मा का कॉन्वेक्शनल करंट के रूप में प्रवाह दोनों लगभग एक जैसे दिख रहे होंगे लेकिन अंतर क्या है दोनों में अंतर यह है कि मेंटल प्लूम में जहां यह बताया गया कि अप्रत्याशित गर्म चट्टाने इस फॉर्म में एक स्तंभ होता है आकर के इकट्ठा होते हैं गुंबद के जैसा गुंबद के जैसा संरचना बनती है और वो गुंबद लगातार आ रहा है तो इस पर ऐसे तनाव होगा तनाव होगा और ब्रेक हो, ऐसे मुड़ेंगे 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 यहां से ब्रेक हो जाएंगे जबकि मैग्मा के सम्मान तरंग सिद्धांत के रूप में यह बताया गया कि आके इसको तोड़ना फिर ऐसे आके वापस आ जाना ऐसी किसी भी बात को मेंटल प्लूम के कॉन्सेप्ट में इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया तो मेंटल प्लूम भी एक कारण है प्लेटों की गतिशीलता के लिए अब क्या है कि अगर हम टॉपिक पे अपने जाएं तो टॉपिक पे हमने क्या देखा इंट्रोडक्शन देख लिया इंट्रोडक्शन के जितने अप्रोच थे वो हमने कवर कर लिए उसके बाद में हमने ये देखा कि जो प्लेटें हैं वो स्थिर अवस्था में नहीं है बल्कि गतिशील अवस्था में है और इनकी गतिशीलता के कई कारण हैं उन कारणों में हमने देखा पृथ्वी का घूर्णन गुरुत्व बल के प्रभाव में अंतर मैग्मा का संवहन तरंगों के रूप में प्रवाह स्लैब दबाव और स्लैब खिंचाव मेंटल प्लोम है ना इन सारी चीजों को देखा अब हम देखें कि ये जितने भी हैं है ना जैसे रोटेशन ऑफ अर्थ हो गया ग्रेविटी हो गया ठीक गुरुत्व का प्रभाव हो गया मैग्मा का कॉन्वेक्शनल करंट के रूप में प्रवाह हो गया ठीक स्लैब पुल एंड पुश हो गया ठीक मेंटल प्लूम हो गया ये सारे के सारे इसको ऐसे शॉर्ट में ही हम लिख दे रहे हैं ठीक है ना इन सब का सम्मिलित प्रभाव इन सब का सम्मिलित प्रभाव यह होता है कि प्लेटों में गतिशीलता होती है और ये जो गतिशीलता होती है इस गतिशीलता को हम दो संदर्भों में देख सकते हैं ठीक या ये प्लेटों में गति दो प्रकार से होती है कौन कौन सा एक तो पृथ्वी के घूर्णन क्ष के सापेक्ष पहला और दूसरा है प्लेटों के मध्य एक दूसरे के सापेक्ष ठीक मतलब दो प्लेटों के बीच में इन रेस्पेक्ट टू ईच अदर ठीक है ना अब पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के सापेक्ष की अगर हम बात करें तो एज वी नो अर्थ रोटेट कर रहा है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट और हम लोग पहले ही बात कर रहे हैं कर चुके हैं कि जो सॉलिड क्रस्ट है वो एस्थेनोस्फ़ेयर वाले पार्ट पर संचरण कर रहा है तो पृथ्वी जिस तरफ गति करेगी उसके विपरीत दिशा में वो गति करेगा तो जैसे जो ये नॉर्थ और साउथ अमेरिका प्लेटें हैं ये ईस्ट टू ईस्ट टू वेस्ट की ओर गति कर रहे हैं मतलब अर्थ के रोटेशन का ये इंपैक्ट है कि प्लेटों में पूर्व से पश्चिम की ओर गति पाई जाती है है ना तो पृथ्वी का घूर्णन जो है ये किधर है वेस्ट टू ईस्ट है तो जो प्लेट्स हैं ये प्लेट्स क्या ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करती हैं या सॉरी ईस्ट टू वेस्ट संचरण करती हैं ये लिखना सही होगा संचरण करती हैं एग्जाम्पल हमारे पास क्या है नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका प्लेट यानी उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका प्लेटें पूर्व से पश्चिम की ओर गति करती हैं लेकिन एक और बात है लेकिन लेकिन यदि क्या होता कि प्लेटों की गतिशीलता हेतु पृथ्वी का घूर्णन पृथ्वी का घूर्णन एकमात्र कारक होता समझे ना कि अगर प्लेटों के संचरण के लिए प्लेटों की गतिशीलता के लिए पृथ्वी का घूर्णन एकमात्र कारक होता तो क्या होता कि समस्त प्लेटें किधर से किधर जाती ईस्ट टू वेस्ट गति करती लेकिन लेकिन है क्या कि पृथ्वी का घूर्णन इन प्लेटों की गतिशीलता का एकमात्र कारण नहीं है या हम बोलें कि हम कह सकते हैं कि लेकिन जो प्लेटें हैं इन प्लेटों की गतिशीलता हेतु इनकी गतिशीलता हेतु अन्य कारक भी क्या है उत्तरदायी है और इसीलिए हम बोल सकते हैं कि अतः ये जो प्लेटें हैं इन प्लेटों के मध्य एक दूसरे के सापेक्ष भी क्या होती है गति होती है मतलब कि अगर प्लेटें सिर्फ पृथ्वी के घूर्णन के कारण ये गति करती तो सारी की सारी प्लेटें सिर्फ ईस्ट टू वेस्ट जाती लेकिन पृथ्वी के घूर्णन के अलावा अन्य भी कई कारक हैं उत्तरदायी इसके लिए अतः यह हम ऊपर लिख दे रहे हैं अतः यह होता है कि प्लेटों के मध्य इन रिस्पेक्ट टू ईच अदर एक दूसरे के सापेक्ष भी क्या होती है गति होती है ये बातें हो गई इसमें अब इसका मतलब ये है कि हम अपने इस मुद्दे पर आ गए और वो है हमारा प्लेटों के मध्य एक दूसरे के सापेक्ष गति अब देखिएगा कि प्लेटों के मध्य एक दूसरे के सापेक्ष गति को जानने के लिए थोड़ा सा हमको रीजनिंग में जाना होगा रीजनिंग में अर्थेमेटिक्स में भी एक टर्म होता है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ठीक है ना कर्मचय संचय आगे और एडवांस फॉर्म में आता है तो यह हो जाता है प्रोबेबिलिटी जिसको बोलते हैं प्रायिकता और उसमें यूपीएससी में सेकंड पेपर में क्वेश्चंस भी बनते हैं कि एक पार्टी में कुल 25 व्यक्ति हैं सबने एक दूसरे से हाथ मिलाया कुल कितनी बार हाथ मिलेगा या कुल कितने हाथ मिलेंगे मान लें कि ये दो प्लेट्स हैं ठीक ये दो प्लेट्स हैं और इन दोनों प्लेटों के बीच एक दूसरे के सापेक्ष गति करनी है तो प्रॉबिबिलिटी क्या है कि ये कितने प्रकार से गति कर सकते हैं ठीक पहला क्या हो सकता है कि ये प्लेटें दूर दूर थीं और पास में आ गई पहला ये यानी दूर थीं और पास आ गई एक क्या पास पास में थीं और दूर चली गई या फिर ये दोनों पास पास में थीं और एक दूसरे के विपरीत दिशा में एक दूसरे के विपरीत दिशा में इन्होंने ऐसा गति करना स्टार्ट कर दिया अगर ऐसे जा रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है ऐसे अब आप में से कई लोगों के मन में यह भी आ सकता है कि अच्छा तो ये प्लेटें ऊपर नीचे भी तो गति कर सकती हैं ऐसे गंदे विचार मन में नहीं लाएंगे इसलिए क्योंकि नीचे गति करने का स्पेस ही कहां है जैसे ये अब ऐसा हमने रख दिया ये प्लेट है अब नीचे कहां चला जाएगा ये तो प्लेट है ना इसके नीचे ये दुर्बल मंडल है तो ये प्लेटें या तो एक दूसरे से दूर जाएंगी दूर जाएंगी या पास आएंगी या ऐसे सिर्फ इतने ही चांसेस हैं इनके बीच में और किसी भी तरह का चांस नहीं है ऐसे में क्या है कि हम बता सकते हैं कि प्लेटों के मध्य एक दूसरे के सापेक्ष जो गतियां हैं जो गतियां हैं इन गतियों को तीन प्रकारों में बांटा जा सकता है ठीक है ना तीन पर तीन तरह से गतियां हैं पहला गति क्या हो सकता है एक हो सकता है अभिसारी प्लेट गति जिसको बोलते हैं कन्वर्जेंट प्लेट मूवमेंट ठीक है ना या कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री भी लिख सकते हैं इंग्लिश में जाएंगे तो आप कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री भी लिख सकते हैं ठीक है ना या अभिसारी प्लेट सीमांत भी लिख सकते हैं इसी तरह से अप सारी प्लेट गति जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डायवर्जेंट प्लेट मोमेंट या डायवर्जेंट प्लेट बाउंड्री ठीक अगला है हमारा समानांतर समानांतर प्लेट गति या फिर पैरल प्लेट मोमेंट ठीक है ना अब ऐसे समझें अभी सारी प्लेट गति का मतलब डाइवर इसमें इंग्लिश में लिखा हुआ है इधर प्रकट करना हम अभिसारी प्लेट गति को इंग्लिश में बोलते हैं कन्वर्जेंट अभिसारी का मतलब होता है कि जब दो प्लेटें विपरीत दिशाओं से एक दूसरे की ओर गति करें आपस में पास पास आए अपसारी को इंग्लिश में लिखा डायवर्जेंट डाइवर्ट करना अलग कर देना डायवर्जेंट का मतलब जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएं समानांतर में अगल बगल में विपरीत दिशाओं में सरकें तो ये जो अभिसारी प्लेट गति है हमें इसको देखना है कि इसका अर्थ क्या है इसमें गति होती है तो कैसे होती है ठीक है और इसका प्रकार क्या क्या हो सकता है ठीक थोड़ा बड़ा अप्रोच है इसका अभिसारी का ठीक है ना अर्थ क्या है कि जब दो प्लेटें विपरीत दिशाओं से एक दूसरे की ओर गति करती हैं तो इस प्रकार की गति को ही अभिसारी प्लेट गति कहते हैं कन्वर्जेंट प्लेट मोमेंट कहते हैं ठीक है ना अच्छा ये गति कैसे का मतलब यहां पर क्या है कि अगर ये दो प्लेटें विपरीत दिशाओं से आई और एक दूसरे के मध्य अभिसारी गति करेंगी तो हम बोल सकते हैं कि इनके बीच में हुआ अभिसरण कन्वर्जेंट हुआ और जब अभिसरण होगा कन्वर्जेंट होगा तो इनके बीच में हो जाएगा टक्कर और अगर टक्कर हुआ तो इस टक्कर से क्या होगा ऊर्जा विमुक्त होगी एनर्जी रिलीज होगी एनर्जी रिलीज होने के साथ साथ में विभिन्न विभिन्न प्रकार की भू भौतिकी घटनाएं घटित होंगी ठीक है ना ठीक घटित नहीं घटित ठीक कि जब भी दो प्लेटों के बीच में कन्वर्जेंट प्लेट मूवमेंट होगा तो ये विपरीत दिशाओं से आएंगे एक दूसरे से टकराएंगे और टक्कर होगा तो एनर्जी रिलीज होगी एनर्जी रिलीज होगी तो विभिन्न प्रकार की भूभौतिकी की घटनाएं घटित होंगी आपके मन में लाजिमी है ये सवाल आना कि अगर विभिन्न प्रकार की भूभौतिक की घटनाएं घटित हो रही हैं तो वे कौन कौन सी घटनाएं हम उस पर बात करेंगे डिटेल में लेकिन प्रकार को हम ओपन कर दें उसके बाद प्रकार का मतलब यह है कि अगर कन्वर्जेंट प्लेट मूवमेंट हो रहा है तो कितने प्रकार से हो सकता है प्रकार का मतलब क्या है देखें अगर अभिसारी होगा तो प्लेटें कितने प्रकार की हैं देखें प्लेटें हैं दो प्रकार की एक कॉन्टिनेंटल प्लेट है और एक ओशियन प्लेट है तो जो भी अभिसरण होगा जो भी टक्कर होगा ये इन्हीं के बीच में होगा लेकिन इनके बीच में भी कैसे कैसे हो सकता है हो सकता है कि हो सकता है कि कौन कौन टकरा जाए महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेट आपस में टकरा जाए तो महासागरीय महाद्वीपीय प्लेट अभिसरण बोलेंगे इसको ठीक है ना पहला मतलब पहली प्रोबेबिलिटी ये है कि टक्कर हो अभिसरण हो और उनमें एक प्लेट महासागरीय हो और एक प्लेट महाद्वीपीय हो दूसरा क्या हो सकता है कि कौन कौन टकरा जाए महाद्वीपीय और महाद्वीपीय प्लेट अभिसरण हो जाए ठीक है ना मतलब कि दोनों टकराने वाली प्लेटें कौन हो महाद्वीपीय हो इनका आपस में टक्कर हो जाए अगला चांस ये बनता है कि महासागरीय और महासागरीय प्लेट अभिसरण हो जाए मतलब कि जो टकराने वाली प्लेटें हैं ये टकराने वाली दोनों प्लेटें कैसी हों महासागरीय हों तो अगर हम ये देखें चांसेस कितने प्रकार हैं प्रकार के हैं इस कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री में तो तीन प्रकार के हैं महासागरीय महाद्वीप अच्छा महासागरीय को हम ओपी लिखेंगे और महाद्वीपीय को हम सीपी लिखेंगे कॉन्टिनेंटल प्लेट तो महासागरीय महाद्वीपीय टकरा सकते हैं महाद्वीपीय महाद्वीपीय टकरा सकते हैं और महासागरीय महासागरीय टकरा सकते हैं अब इसको हम ओपन करके देखेंगे अभी सारी प्लेट गति में ठीक है ना तो जितनी भी भूभौतिकी घटनाएं हैं वो सारी, सारी की सारी भूभौतिकी घटनाएं हमारी स्पष्ट हो जाएंगी ठीक है ना इसमें हम बात कर रहे हैं अभिसरण प्लेट गति कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री या कन्वर्जेंट प्लेट मोमेंट और इसमें पहला हमारा क्या है यह है महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेट अभिसरण ठीक है ना महासागरीय महाद्वीपीय प्लेट अभिसरण हम देखते हैं इसमें क्या क्या मसला हो सकता है ठीक है ना कई भागों में बांट के हम देखेंगे पहली घटना हम देख लें पहली घटना क्या हो सकती है एक तरफ ओशियन प्लेट है और एक तरफ कॉन्टिनेंटल प्लेट है अब देखिए यहां हम महा महासागरीय महाद्वीपीय नहीं लिख रहे हैं ओपी और सीपी ठीक ओपी का मतलब ओशनिक प्लेट और सीपी का मतलब कॉन्टिनेंटल प्लेट ठीक है ना अगर इनके बीच में अभिसरण हुआ अगर इनके बीच में अभिसरण हुआ तो इस अभिसरण के कारण इनके बीच में टक्कर होगा और जब टक्कर होगा इनके बीच में तो उसका परिणाम होगा कि ऊर्जा विमुक्त होगी एनर्जी रिलीज होगी और ये जो एनर्जी रिलीज होगी एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय ऊर्जा ना तो निर्मित की जा सकती है और ना ही इसको खत्म किया जा सकता है सिर्फ ये एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है तो यह जो ऊर्जा विमुक्त होगी इस ऊर्जा का क्या होगा तरंगों के रूप में संचरण होगा और जैसे ही तरंगों के रूप में संचरण होगा वैसे ही आएगा भूकंप लेकिन ये जो भूकंप आएगा इस भूकंप के उदगम केंद्र की गहराई बहुत ज्यादा नहीं होगी ठीक क्योंकि टकराए टकराए ही ठीक है ना तो ऐसे में जब इन भूकंप की उत्पत्ति केंद्र ठीक है ना जिसको फोकस बोलते हैं इसकी गहराई बहुत ज्यादा नहीं होती अब ये हम बाद में देखेंगे भूकंप वाले टॉपिक में कि मतलब 50 किलोमीटर तक छिछले 300 तक मध्यम 700 तक को आ, जो है डीप अर्थक्वेक बोलते हैं यहां हमको बस ये जानना है कि यह जो भूकंप आएगा यह कैसा होगा यह छिछले उद्गम केंद्र का भूकंप होगा ठीक है ना यह बात हो गई कि सैलो अर्थक्वेक आएगा और क्या होगा कि यह अगला दूसरा इंपैक्ट हम देख लें यह ओशनिक प्लेट है ओशनिक प्लेट है और यह कॉन्टिनेंटल प्लेट है जब ये दोनों आपस में टकराए होंगे जब इनका अभिसरण हुआ होगा ऊर्जा विमुक्त होगी भूकंप आया इसके साथ साथ में क्या है कि ओशियन प्लेट है जल तो ओशियन प्लेट के आसपास में खूब सारे क्या होंगे यहां पर अवसाद होंगे ठीक है ना अवसाद का मतलब क्या होता है कंकर बजरी बालू मिट्टी पत्थर ये सारे के सारे होंगे भाई महासागरों में होते ही होते हैं महाद्वीपीय प्लेट से जब ये टकराएगा तो महाद्वीपीय प्लेट वाले रीजन में भी जो वाटर होगा ओशियन का वो वेदरिंग और इरोजन करेगा अपक्षय अच्छा और अपर्दन करेगा अपक्षय अच्छा और अपर्दन करेगा तो इनमें जब टूट फूट होगा तो ये भी मलबों में बदलेंगे और मलबों में बदलने से यहां पर भी किसका निर्माण होगा अवसादों का निर्माण होगा यानी दोनों तरफ से एक तो ओशियन प्लेट वाला एरिया से भी अवसाद और महाद्वीपीय प्लेट वाले एरिया से भी अवसाद खूब मात्रा में जम जाएंगे ठीक इनके बीच में इस सीमा वाले क्षेत्र में तो यहां पर क्या होगा कि जब इनके बीच में अभिसरण होगा तो इस अभिसरण से जो इनके मध्य या सीमा क्षेत्र में इनके मध्य या सीमा क्षेत्र में अवसाद होंगे इन अवसादों पर कौन सा बल लगेगा संपीडनात्मक बल लगेगा संपीडनात्मक बल को इंग्लिश में कॉम्प्रेशनल फोर्स बोलते हैं अब देखिए होगा क्या आप क्या करें कि अगर आपको रोटी बनाना आता है आपने आटा गूथा आटे को गूथकर आपने उसको थाली में रखा और करके देखिएगा कि उस आटे को ऐसे दोनों तरफ से ऐसे दबाइए गुथे हुए आटे को दोनों तरफ से दबाइएगा आटा कहा जाएगा ऊपर की ओर उठेगा बिल्कुल ऐसे कि ये आटा गुथा हुआ है और आपने इधर से भी फोर्स लगाया और इधर से भी फोर्स लगाया अब ये आटा ऊपर की ओर ऐसे 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 मोड़ पड़ना चालू हो जाएगा ऐसे ऊपर की ओर उठना स्टार्ट हो जाएगा ठीक है और ऊपर की ओर जो उठेगा इसमें मोड़ पड़े हुए होंगे मोड़ को भूगोल की भाषा में वलन बोलते हैं और अगर ये मोड़ ऐसा पड़ जाए कि जिसका आधार चौड़ा हो शिखर नुकीला हो और पार्श्व ढलवा हो पार्श्व का मतलब है किनारे का भाग अगर यह आधार चौड़ा हो सिख ये पार्श्व ढलवा हो और शिखर नुकीला हो इस तरह का मोड़ उसमें पड़ जाए ऐसा तो इसी को बोलते हैं पर्वत ठीक है हाँ ये बात अलग है कि पर्वतों की परिभाषा में जब आप जाते हैं तो यह होता है कि वह स्थलाकृति जिसका आधार चौड़ा हो पार्श्व ढलवा हो शिखर नुकीला हो और वो अपने समीपवर्ती भागों से 1100 मीटर से अधिक ऊंचा हो तो वो कंडीशन हो जाएगा अगर यहां पर इस तरह से होगा ठीक कि इनके मध्य में अभिसरण होगा संपीडनात्मक बल लगेगा तो इसके कारण इन अवसादों का संकुचन होगा कंप्रेस होंगे और इनका उत्थान हो जाएगा और ये जो उत्थान होंगे इसमें पड़ेगा क्या मोड़ इसमें वलन पड़ेगा और इसका परिणाम ये होगा कि यहां पर वलित पर्वतों की उत्पत्ति हो जाएगी लेकिन एक बात और ध्यान देंगे क्योंकि इस प्रकार की घटनाएं जो घटी हैं वो तृतीयक युग में घटी हैं टर्सरी युग में घटी हैं और जब ये पर्वत निर्मित हुए उसके बाद से कोई भी पर्वत निर्माणकारी हलचल नहीं हुआ है इसीलिए इन पर्वतों को नवीन वलित पर्वत की संज्ञा दी जाती है न्यू फोल्डेड माउंटेन कहा जाता है अब देख ले हम कैसे कि ये दोनों आपस में टकराए ठीक और जब ये टकराए तो इनके बीच में जो अवसाद थे इन अवसादों का उत्थान हो गया और ये बन गया न्यू फोल्डेड माउंटेन यहां पर हम ऐसा एक बना दे रहे हैं ये ओशियन प्लेट है और ये कॉन्टिनेंटल ये वाला बात हो सकता है कि आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करे ठीक है ना लेकिन नहीं अभी हम जो अगला देखेंगे तीसरा ये इसी को हम एक बार जोड़ लेंगे कि कैसे ठीक है ना ऐसे समझ लें कि जब भी इन प्लेटों के मध्य अभिसरण हुआ और ये है ओशियन प्लेट और ये है कॉन्टिनेंटल प्लेट इन दोनों प्लेटों में जो ओशियन प्लेट है इसका घनत्व तो है अधिक और इसका घनत्व तो है इसकी तुलना में कम ठीक तो अधिक प्लेट वाली घनत्व कोलिजन के बाद टक्कर के बाद कम घनत्व वाली प्लेट के नीचे सबडक्ट होगा अब एक बात समझिएगा ये जो नीचे की ओर सबडक्ट हुआ ठीक कुछ ऐसे कॉन्टिनेंटल प्लेट ओशियन प्लेट ऐसे समझने की बात यह है कि जैसे ये दो प्लेटें हैं दो प्लेटे ये दो प्लेटें टकराई ये ओशियन प्लेट है और एक कॉन्टिनेंटल प्लेट टकराई और नीचे गई अब देखेंगे इसमें कहीं पर ये बिल्कुल सटा हुआ है लेकिन जब ये नीचे की ओर सबडक्ट होगा तो इसके जो किनारे वाले भाग होंगे ये दोनों तो ये टूटेंगे फूटेंगे भी तो बिल्कुल स्मूथ ऐसे नीचे नहीं जाएगा इनके बीच में क्या हुआ ऐसा एक गैप बनेगा हल्का सा गैप बनेगा और ये जो गैप का फॉर्मेशन होगा यही गैप का फॉर्मेशन कहलाता है ये ऐसे ये ऐसे एक पतली सकरी गहरी खाई बन जाएगी और इस गहरी सकरी खाई को ही क्या बोलते हैं ट्रेंच बोलते हैं या खाई बोलते हैं इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों प्लेटों के टक्कर में जब इस अधिक घनत्व वाली प्लेट का इस कम घनत्व वाली प्लेट से टक्कर के साथ जब ये नीचे की ओर आएगा तो इन दोनों के सीमांत वाले क्षेत्र में ट्रेंच या खाई का भी निर्माण होगा अब यहां पर एक बात और गौर करने वाली है वो ये है कि ये जो नीचे की ओर आ रहा है इसके लिए टर्म क्या यूज किया जाता है हम इसको बोल सकते हैं कि जब ओशनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट का क्या होता है अभिसरण होता है तो इस अभिसरण की स्थिति में अधिक घनत्व वाली ओशनिक प्लेट का कम घनत्व वाले कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे क्या होता है छेपण होता है भूगोल की भाषा में क्षेपण शब्द का ही प्रयोग किया जाता है हर विषय की अपनी भाषा होती है ठीक है ना इस छेपण के को इंग्लिश में सबडक्शन बोलते हैं तो जब भी ये अधिक घनत्व वाला प्लेट इस कम घनत्व वाले प्लेट से टकरा करके इसके नीचे जाएगा तो इसको बोलते हैं सबडक्ट होना छेपड़ होना और इस छेपड़ होने की स्थिति में ट्रेंच और खाई का निर्माण होता है नवीन वलित पर्वत हम लोग पहले ही देख चुके हैं बन चुका है अब एक बात देखिएगा कि जब भी ये ओशनिक प्लेट है और ये कॉन्टिनेंटल प्लेट और ये ऐसे टकरा के नीचे गया तो क्योंकि घनत्व तो ज्यादा है घनत्व तो ज्यादा है तो नीचे जा रहा है तेजी से ये खींच रहा है ठीक है ना तो खींच रहा है तो इसके दौरान इस प्लेट पर लगने वाला फोर्स भी बढ़ जाएगा तो जो सेडिमेंट्स होंगे वो शिफ्ट हो जाएंगे आगे की ओर यानी वो जो तो वलन पड़ेगा वो वलन आपको मुख्य रूप से नजर आएगा कहां पर इस कॉन्टिनेंटल प्लेट पर यानी ये वही क्या है न्यू फोल्डेड माउंटेन्स ठीक है ना न्यू फोल्डेड माउंटेन्स नवीन वलित पर्वत अब देखेंगे कि यहां पर ये जो ओशन प्लेट नीचे की ओर जा रहा है ट्रेंचेस भी बने यहां हम देखेंगे क्या हम ओशनिक प्लेट को छेपित प्लेट बोल सकते हैं इसमें तो कोई संदेह नहीं होगा हम ये कह सकते हैं कि जहां इस छेपित प्लेट अच्छा इस प्लेट में कई बार छेपित क्रस्ट भी लिखा जाता है छेपित प्लेट भी लिखा जाता है तो दोनों लिख सकते हैं हम छेपित क्रस्ट भी लिख सकते हैं छेपित प्लेट भी लिख सकते हैं गलत नहीं होगा ठीक है ना तो जहां इस छेपित प्लेट की गहराई क्या होती जाएगी बढ़ती जाएगी और जैसा कि हमको पता है गहराई में वृद्धि के साथ तापमान में वृद्धि होती है तो जब छेपित प्लेट की गहराई बढ़ेगी तो इसका टेम्परेचर भी बढ़ेगा और इसका प्रभाव यह होगा कि जो छेपित क्रस्ट है देखिए हमने टम, चेंज किया इस छेपित क्रस्ट का क्या हो जाएगा गलन होगा ठीक गलन का मतलब ये मोल्टन फॉर्म में चेंज होंगे ये बड़ी तेजी से गलना स्टार्ट कर देंगे और जब ये गलना स्टार्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा कि आंतरिक भाग में मैग्मा उत्पत्ति का दर क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा मतलब कि एक तो ऑलरेडी पहले से मैग्मा है दूसरा यहां से और मै, मैग्मा के लिए मटेरियल पहुंच रहा है मतलब ये क्रस्ट वाला भाग नीचे जा रहा है तो वो भी मोल्टेन होगा तो अमाउंट ऑफ मैग्मा बढ़ जाएगा बिल्कुल वैसे हलवा बनाया उसमें पता चला और सूजी डाल के चला दिया तो हलवे का अमाउंट क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा मात्रा बढ़ जाएगी यहां एक बात और समझ लें हम लोग यह है कि जब यह छेपित क्रस्ट की गहराई बढ़ेगी तापमान बढ़ेगा तो गहराई बढ़ने के साथ साथ इसमें एक और घटना घटेगी कि इसमें टूट फूट भी होगी और टूट फूट होगी तो और एक बार क्या होगा ऊर्जा विमुक्त होगी और इस ऊर्जा विमुक्त होने से क्या आएगा भूकंप आएगा लेकिन यह भूकंप कैसा होगा मध्यम उदगम केंद्र का होगा दो तरह के भूकंप हमको मिल गए एक छिछले उद्गम केंद्र का भूकंप मिला हमको और एक मध्यम उद्गम केंद्र का भूकंप मिला अभी तक हमने क्या देखा कि जब ये दोनों प्लेटें आपस में टकराएंगी एनर्जी रिलीज होगी तो भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होगी इनके बीच में जो अवसाद है उन पर कॉम्प्रेशनल फोर्स लगेगा संपीडनात्मक बल लगेगा तो जो अवसाद है उनका संकुचन होगा और उत्थान होगा तो इससे नवीन वलित पर्वत बनेंगे ओशियन प्लेट जिसकी गहराई ज्यादा है सॉरी जिसका घनत्व तो ज्यादा है टकराएंगे ये नीचे की ओर जाएगा तो इन दोनों के सीमांत क्षेत्र में ट्रेंच या खाई का भी निर्माण होगा और ये ओशनिक प्लेट जैसे जैसे नीचे जाएगा इसमें टूट फूट होगी ऊर्जा विमुक्त होगी और भूकंप आएगा जो कि मध्यम उद्गम केंद्र का होगा दूसरी तरफ छेपित प्लेट की गहराई जैसे जैसे बढ़ेगी इसका तापमान बढ़ता जाएगा परिणाम स्वरूप छेपित क्रस्ट का गलन होगा और आंतरिक भाग में मैग्मा उत्पत्ति का दर बढ़ जाएगा ठीक है ना अब देखें ये बातें हैं तीन तरह की घटनाएं घटिंग ठीक है ना जो अगली घटना हम इसमें देख सकते हैं इतना ध्यान रखेंगे हम इसी में जो अगली घटना है हम ऐसे बना सकते हैं इसको नंबर फोर अगली घटना क्या है ये ओशनिक प्लेट है जो नीचे की ओर सबडक्ट हो रहा है ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है ये नीचे गहराई बढ़ रहा है मैग्मा का उत्पत्ति दर बढ़ रहा है यानी यह मैग्मा बढ़ता जा रहा है ठीक है ना मतलब मैग्मा बढ़ने का मतलब क्या है कि मैग्मा उत्पत्ति का दर बढ़ रहा है और मैग्मा उत्पत्ति का दर अगर बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है अमाउंट ऑफ मैग्मा अमाउंट ऑफ मैग्मा यानी मैग्मा की मात्रा भी क्या होगी बढ़ जाएगी और जब मैग्मा की मात्रा बढ़ेगी तो इनमें ऊर्जा की मात्रा भी बढ़ जाएगी अब आप एक बात और ध्यान दीजिएगा यहां पर जो कंसेप्चुअल है और बड़ा ही मजेदार है और बहुत सारे ये ज्वालामुखीता वगैरह के टॉपिक में आपको बहुत हेल्प करेगा वो ये है कि ये जो प्लेट का बात है इतनी घटना घटी ये ओशन प्लेट है इस ओशन प्लेट में ऊपर नीतल के ऊपर वाटर है ठीक है ना यहां पर परकोलेशन ऑफ वाटर होगा परकोलेशन को हिंदी में बोलते हैं छन कर आना मतलब अगर सरफेस पर कहीं पानी है तो वो रिस कर या छन कर नीचे की ओर जाता है मुझे लगता है इसमें हमको संदेह नहीं होना चाहिए अगर ऐसा नहीं होता तो मॉनसूनी वर्षा के समय जो टेबल वॉटर का लेवल होता है जिसको भौम जलस्तर बोलते हैं वो क्या हो जाता है बढ़ जाता है तो यहां पर क्या होगा कि इससे परकोलेशन ऑफ वाटर होगा ऐसे समझ ले मतलब हम बोले कि जल छन नीचे की ओर जाएगा और जब ये जल छनकर नीचे की ओर जाएगा तो इसका टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा इसका टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ इसका वाष्पीकरण होगा और वाष्पीकरण होने से क्या बनेगा जलवाष्प बनेगा और इस जलवाष्प में उपस्थित होती है बड़े पैमाने पर गुप्त ऊष्मा मतलब इनके पास एनर्जी बहुत ज्यादा होती है अब आप देखें कि दो चीजें मिल गई हम रेड से कर दें हालांकि ये रंग बड़ा खतरनाक होता है अमाउंट ऑफ मैग्मा बढ़ गया और दूसरा जलवाष्प बढ़ गया यह देखेगा मतलब कि यहां पर आंतरिक भाग में एक तो मैग्मा की मात्रा बढ़ गई और दूसरा यहां पर जलवाष्प की भी मात्रा बढ़ गई अब एक तो शेर और दूसरे में बंदूक लिए और खतरनाक हो जाएगा इसका मतलब यह है कि अब इसका जो पावर होगा वो बहुत ज्यादा हो जाएगा और ये पावर इतना ज्यादा हो जाएगा कि ये खुद को नीचे रोक पाने में सक्षम नहीं होगा और ये तेजी से बाहर की ओर आएगा और जब ये तेजी से बाहर की ओर आएगा तो घटना क्या घटेगी हम ऐसे इसको देख सकते हैं ऐसा ड्रॉ कर लें यहां पर ये माउंटेन्स हैं ये माउंटेन्स हैं ठीक यहां पर क्या है ये ओपी है ये सीपी है ये कन्वर्जेंट हुआ यहां पर मैग्मा भी है और वाटर वेपर भी है अब ये बड़ी तेजी से इस परतों को तोड़ते हुए बाहर की ओर आएगा आंतरिक भाग से मैग्मा भी आएगा और आप देखेंगे जब कभी ज्वाला मुखियता होती है तो ज्वाला मुखियता में लगभग नब्बे प्रतिशत निकलने वाले मटेरियल्स में लगभग 90% परसेंट अकेले भागीदारी होती है जलवाष्प की ठीक है ना तो ये जब बाहर की ओर तेजी से निकलेगा जिसमें मैग्मा होगा जलवाष्प होगा चट्टानी टुकड़े होंगे है ना? जो राख होएंगी, ये सारे के सारे तेजी से आएंगे तो इसी को बोलते हैं कि कौन सी घटना घट गट गई ज्वाला मुखियता की घटना घट गट गई और इस ज्वाला मुखियता से एक बार पुनः क्या होगा भूकंप आएगा और ये भूकंप कैसा होगा यह गहरे उद्गम केंद्र का भूकंप होगा ठीक अब देखेंगे यहां पर जो ये ज्वाला मुख्यता हुई इस ज्वाला मुख्यता से निश्रित होगा क्या मैग्मा लेकिन इस मैग्मा को अर्थ के सरफेस पर सतह पर क्या कहते हैं लावा ठीक है ना वही बात है कि घर में है तो भाई परिवार वालों के लिए कोई अपना अलग अलग गणेश दिनेश सुरेश रमेश नाम है और बाहर घर से निकले मोबाइल फोन पे कई बार बाबू हो जाते हैं बेबी हो जाता है बच्चे हो जाते हैं है ना मतलब रिश्तों की बात है बहरहाल ये जो लावा सतह पर आया इस लावा का सतह पर क्या होगा जमाव होगा ठीक इसका जमाव होगा डिपोजिशन होगा और जब इसका जमाव होगा अच्छा एक बात और समझिएगा कि सतह पर पहले तो इसका शीतलीकरण होगा ठंडा होगा उसके बाद जमाव होगा और इस शीतलीकरण और जमाव से ज्वालामुखी शंकु या ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होता है इज दैट क्लियर अब इन चीजों का इस पूरे के पूरे महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेट अभिसरण के बारे में ये जो हमने देखा अब ये बात है कि ठीक है भाई इतनी चीजें हैं लेकिन क्या इसका हमारे पास में कोई एग्जाम्पल है कोई उदाहरण है ठीक हम देख सकते हैं इसका एक बहुत ही आइडियल एग्जाम्पल है जो सबसे बेस्ट मुझे लगता है कि है हुँ, वो ये है समझ तो लें ये नॉर्थ अमेरिका प्लेट ये साउथ अमेरिका प्लेट इधर से क्या है पैसिफिक ओशियन प्लेट ठीक है ना और अगर आपको याद हो तो यहां पर दो और प्लेटें हैं ठीक है ना नजका प्लेट है ठीक है ना ये नजका प्लेट है अब आप देखेगा जो पैसिफिक ओशियन प्लेट है और ये महाद्वीपीय प्लेट है इन दोनों के मध्य में हुआ क्या अभिसरण और टक्कर अभिसरण और टक्कर होने के ये ओशन प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट के बीच में जब इनके बीच में अभिसरण और टक्कर हुआ तो वही ऊर्जा विमुक्त होगी भूकंप आएगा आप देख सकते हैं कि पूरा इस नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का पश्चिमी तटीय प्रदेश और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का पश्चिमी तटीय प्रदेश ये दोनों के दोनों किससे भूकंप से बड़े पैमाने पर प्रभावित हैं एक बात यह होगी दूसरी बात क्या है कि जब इन दोनों का टक्कर होगा तो इनके बीच में वही सीमांत क्षेत्रों का जो सीमांत क्षेत्र हैं, उन सीमान क्षेत्रों में अवस्थित अवसादों पर संपीडन और उनका आ, आ, संकुचन और उत्थान तो पर्वत बनेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये रॉकी पर्वत और इधर में एंडीज पर्वत ये है रॉकीज और ये है एंडीज ठीक है ना थोड़ा रंग हालांकि आदत नहीं है मेरी अलग कलर को यूज करने का क्योंकि आप वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं तो इसमें भी जरूरी है जान लेना ये रॉकीज और एंडीज पर्वत बन गया यानी दूसरी बात भी सही होगी ठीक अब ये बात है कि अगर ऐसा था तो हम लोगों ने तो ये भी बात किया था ना कि खाई भी बनता है ट्रेंच भी बनते हैं ठीक आप देखेंगे अपने अटलस में जा करके तो आपको यहां पर इस वाले रीजन में इस वाले रीजन में ये जो अभिसरण वाला क्षेत्र है यहां पर एक ट्रेंच मिलेगा और जिसका नाम है चिली ट्रेंच चिली की खाई ठीक है ना इसी तरह से आप ऊपर में बढ़ेंगे तो आपको कई सारे ट्रेंचेस यहां पर मिल जाएंगे जैसे आप इधर आ जाइएगा तो यहां पर भी आपको कौन सा पेरू ट्रेंच मिल जाएगा अच्छा एक बात समझिएगा ट्रेंच को ऐसे बनाते हैं और माउंटेन्स को ऐसे बनाते हैं ठीक है ना यानी दूसरी बात भी सही साबित हो गई कि भाई इस तरह के पर्वतों का होना अब एक बात और देखेंगे कि हमने देखा कि ज्वालामुखी की घटना घटी और ज्वालामुखी की घटना घटने के साथ साथ में यहां पर ज्वालामुखी पर्वतों का भी निर्माण हुआ अगर यहां पर ज्वालामुखी पर्वत हमको मिल जाए तो सारी की सारी घटना हम मान लेंगे कि बिल्कुल सही है ठीक है ना आप देखेंगे जो रॉकी पर्वत है रॉकी पर्वत में यहां पर आपको माउंट कोटो तो पैक्सी पर्वत मिल जाएगा ठीक है ना इस माउंट कोटो तो पैक्सी से नीचे आएंगे तो आपको यहां पर माउंट ओजोस डेल सलाडो पर्वत मिल जाएगा माउंट कोटो तो पैक्सी हो या माउंट ओजोस डेल सलाडो हो ये दोनों के दोनों कैसे हैं ज्वालामुखी पर्वत हैं। इसी तरह से नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में भी माउंट हुड माुंट रेनियर, माउंट सास्ता ये सारे के सारे ज्वालामुखी पर्वत यहां पर पाए जाते हैं इस तरह से हम लोगों ने ये देख लिया महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेटों के अभिसरण से कौन सी घटना घटित होती है अगला जो हमारा है इस अभिसरण प्लेट गति में नेक्स्ट हमको हमने तीन भागों में बांटा था एक महासागरीय और एक महाद्वीपीय जो अगला है हमारा वो क्या है महाद्वीपीय महाद्वीपीय अगला हमको क्या देखना है महाद्वीपीय महाद्वीपीय प्लेट अभिसरण ठीक है ना देख ये नंबर दो है महाद्वीपीय महाद्वीपीय प्लेट अभिसरण में वही बात कि ये है क्या ठीक है ना इसका अर्थ क्या है ठीक मतलब क्या है इसका महाद्वीपीय महाद्वीपीय प्लेट अभिसरण का मतलब यह है कि जब दोनों प्लेटें आपस में क्या करती हो टकराती हो और इन दोनों प्लेटों की विशेषता ये हो कि ये दोनों प्लेटें महाद्वीपीय हो मतलब ऐसा नहीं कि एक महाद्वीपीय और एक महासागरीय हो। दोनों महाद्वीपीय हैं। अब यहां पर आपके मन में हो सकता है कि ये कौतूहल हो कि अच्छा अगर दोनों महाद्वीपीय हैं तो घनत्व तो दोनों का बराबर होना चाहिए ऐसा तो नहीं है भाई हर ह्यूमन एक ही है ह्यूमन बॉडी ह्यूमन बॉडी है लेकिन उनके बॉडी में किसी का वेट कम किसी का ज्यादा है ना कोई हल्के भार वाला कोई भारी भार वाला ऐसा होता है तो यह आवश्यक नहीं है कि दोनों कॉन्टिनेंटल प्लेट्स की डेंसिटी एक समान हो।, हो सकता है कि इनमें से किसी एक प्लेट का जो घनत्व हो वो दूसरे प्लेट की तुलना में अधिक हो और दूसरे प्लेट का घनत्व इस प्लेट की तुलना में कम हो जैसे एग्जाम्पल हम देख लें उदाहरण के तौर पर कि इंडियन प्लेट इंडियन प्लेट और इधर में हमने ले लिया यूरेशियन प्लेट और ये है इंडियन प्लेट इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट ये दो के दोनों प्लेटें कैसी हैं महाद्वीपीय हैं लेकिन यूरेशियन प्लेट का डेंसिटी कम है और इंडियन प्लेट का डेंसिटी अधिक है भारतीय प्लेट की डेंसिटी अधिक होने के कारण यह है कि एक तो यहां पर अरेबियन सी इंडियन ओशियन और बे ऑफ बेंगाल हम पहले बात कर चुके हैं अभी इसी क्लास में कि अरब सागर हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी के महासागरीय क्रस्ट शामिल हैं दूसरा इंडियन प्लेट का भारतीय प्लेट का संबंध मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय भारत से है और इस प्रायद्वीपीय भारत में आप अटलस में देखेंगे ऐसे लहरा के लिखा होगा ऐसे बसाल्ट सॉरी बसाल्ट नहीं लिखा होगा वो तो रॉक्स है यहां पर लिखा होगा डक्कन प्लेट्यू और ये जो दक्कन का पठार है ये क्रिटेसियस ये क्रिटेसियस युग के समय दरारी उद्गार अभी आगे हम टर्म यूज करेंगे बहरहाल इतना जान लें कि जब प्लेटें अलग हो जाएं, दरार बने और नीचे से मैग्मा बाहर आए उसको दरारी उद्गार बोलते हैं इस दरारी उद्गार ज्वाला मुखियता से निकलने वाले इस लावा के जमाव से हुआ है और ये जो लावा जमकर के चट्टान बना ये चट्टान है कौन सा बसाल ट्रॉक तो एक तो प्रायद्वीपीय भारत पर महाद्वीपों पर बसाल चट्टान का पाया जाना और दूसरी तरफ महासागरीय क्रस्ट की इसमें भागीदारी होना ये सारे के सारे ने मिलकर के क्या कर दिया कि इंडियन प्लेट की डेंसिटी को बढ़ा दिया अब देखें अगर ये इंडियन प, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट है तो इनके बीच में भी एक क्षेत्र है ठीक है ना अब हम इसको ऐसे समझ लें कि दो प्लेटें हैं और दोनों कॉन्टिनेंटल प्लेटें हैं और इन कॉन्टिनेंटल प्लेटों के बीच में ये वाला एरिया है ये एरिया है जिसको बोलते हैं सन्नति ठीक इंग्लिश में इसको बोलते हैं जियो सिंहक्लाइन पहले इसका मतलब समझ लें भू का मतलब पृथ्वी भू धरा धरती वसुंधरा पृथ्वी है सन्नति का मतलब होता है गड्ढा विशाल गड्ढा जैसे इंग्लिश में देखें जियो है और सिंक्लाइन है सिंक्लाइन आप ऐसे समझ लें सिंक होता है ना घरों में ठीक कि किचन में सिंक होता है तो सिंक मुझे लगता है कि हम सभी के घरों में ऐसा ही होगा कि इसमें भाई प्लेट्स डालते एक ऐसा टाइप का बना होगा इस तरह का सिंक किसी के घर में नहीं होगा कि नीचे से प्लेट ऐसे अंदर डाल दो धुल उल के बाहर निकाल दे वो ठीक है ना तो जियो सिंक्लाइन का मतलब होता है कि पृथ्वी पर बना एक विशाल गड्ढा है ना ये देसी भाषा में समझने के लिए भूगोल की भाषा में समझ लें कि पृथ्वी पर ये एक गहरा सॉरी पृथ्वी पर एक सकरा, छिछला सकरा का मतलब नैलो नैरो का मतलब शैलो सकरा छिछला और अवसाद युक्त जलीय भाग होता है ठीक है ना इसकी उपस्थिति होती है अब देखिएगा दोनों प्लेटें कॉन्टिनेंटल हैं ये इनके बीच में अभिसरण हुआ टक्कर हुआ ये वाला प्लेट है जिसका घनत्व तो हमने मान लिया कि अधिक है जब इनके बीच में अभिसरण होगा तो इस अभिसरण से पहली घटना क्या कि इनके मध्य टक्कर होगा टक्कर होगा तो वही बात ऊर्जा विमुक्त होगी और इस ऊर्जा विमुक्त होने से क्या आएगा भूकंप आएगा एक तो बात यह हो गई और यह जो भूकंप होगा यह छिछले उद्गम केंद्र का होगा दूसरी तरफ क्या होगा कि इनके अभिसरण से इनके मध्य अवस्थित जो भूसन्नति है इस भूसन्नति के अवसादों पर अवसादों पर कौन सा बल लगेगा यहां संपीडनात्मक बल कार्य करेगा और इस संपीडनात्मक बल के कारण इन अवसादों का इन अवसादों का क्या होगा संकुचन होगा और इसका उत्थान होगा इनके संकुचन और उत्थान से क्या होगा कि वही बात नवीन वलित पर्वतों का निर्माण होगा ठीक है ना न्यू फोल्डेड माउंटेन का फॉर्मेशन होगा ऐसा कुछ ऐसा ये भी कॉन्टिनेंटल प्लेट ये भी कॉन्टिनेंटल प्लेट ये इधर ये इधर और इनके बीच में ऐसा अब डिफरेंस देख रहे हैं प्लेट और कॉन्टिनेंटल वाले प्लेट में हमने बाद में माउंटेन को शिफ्ट कर दिया था कॉन्टिनेंटल प्लेट पे यहां पर ये जो न्यू फोल्डेड माउंटेन है ये दोनों तरफ है और ये वाला भाग ऐसा नीचे की ओर आ गया अब यहां पर गौर करने वाली बात ये है कि दोनों कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं और दोनों के टक्कर से न्यू फोल्डेड माउंटेन तो बना ठीक और ये अधिक घनत्व वाला प्लेट है अधिक घनत्व वाले प्लेट का क्षेपण भी होगा भाई जब दोनों टकराएंगे तो अधिक घनत्व वाले प्लेट का क्या होगा छेपण होगा लेकिन लेकिन एक बात ध्यान देंगे क्या इस कॉन्टिनेंटल प्लेट का घनत्व उतना ज्यादा होगा जितना ओशनिक प्लेट का था उतना तो नहीं होगा तो जाहिर सी बात है जब उतना घनत्व नहीं है तो छेपण में इसकी गहराई लेकिन ये अधिक गहराई में छेपित नहीं होगा क्यों क्योंकि इसका घनत्व तो उतना ज्यादा नहीं है कि नीचे की ओर इतना ज्यादा चला जाए और जब अधिक गहराई में छेपित नहीं होगा तो यहां पर आंतरिक भाग में आंतरिक भाग में मैग्मा उत्पत्ति का दर क्या होगा कम होगा दूसरी तरफ क्या है कि ये जो सन्नति है इसमें अमाउंट ऑफ वाटर इतना ज्यादा नहीं है दूसरा जब ये कंप्रेस हुआ अवसाद तो ऊपर उठ गए लेकिन वाटर इधर उधर चला गया मान लीजिए रिवर के फॉर्म में कहीं सरफेस से होकर के निकल गया ओशियन के जितना वाटर तो है नहीं तो जब ओशियन के जितना वाटर नहीं है तो सतही जल का छनकर नीचे की ओर जाना परकोलेशन भी बहुत कम होगा और जब परकोलेशन इसका कम होगा तो जाहिर सी बात है कि आंतरिक भाग में जो जलवाष्प है इन जलवाष्पों का भी क्या होगा अभाव होगा और इनका प्रभाव यह होगा कि यहां ज्वाला मुखियता हेतु अनुकूल दशा नहीं बन पाएगी दैट क्लियर कि इस वाले रीजन में सारे काम होंगे सारी चीजें होंगी लेकिन यहां पर ज्वाला मुख्यता की घटना घटित होने के लिए दशाएं अनुकूल नहीं हो पाएंगी अब इसका हम एग्जाम्पल देख लें इसका उदाहरण देख लें कि ठीक है महाद्वीपीय महाद्वीपीय प्लेट के बीच में इतनी घटनाएं तो हैं, लेकिन क्या हमारे पास में इसको लेकर के वर्ल्ड में कोई एग्जाम्पल है कि जहां पर ऐसी घटना घटित हुई हो तो अब देख लें इसको कि जैसे एक तरफ है इसका हम लोग एग्जाम्पल देख लें ये ऐसा समझ ये अफ्रीकन प्लेट है यूरेशियन प्लेट है इंडियन प्लेट है ठीक है ना इंडियन प्लेट जो भारतीय प्लेट है और यूरेशियन प्लेट के बीच में अभिसरण हुआ टक्कर ऐसे समझ लें ठीक भारत का जो ये भाग है ये जो इंडियन प्लेट है ये नॉर्थ ईस्ट की ओर गति कर रहा है और ये जा करके जब इससे टकराया तो इनके बीच में ऐसे ये मैं रेड लाइन से बना दूं ये मजबूरी होती जा रही है आज तो ऐसे समझ लें कि ये पूरा का पूरा एरिया ये क्या था एक भू सन्नति था एक जियोसिनक्लाइन था और इस जियोसिनक्लाइन का नाम दिया गया ये भू सन्नति ठीक है ना हटाओ इसको टेथिस सन्नति और यह टेथिस सन्नति जो टैथिस जियोस है इसका विस्तार इसका विस्तार कहां से कहां तक था आज की डेट में जो आप भूमध्य सागर देख रहे हैं ना पश्चिम में यह भूमध्य सागर का पश्चिमी छोर है यह भूमध्य सागर का पश्चिमी छोर है यहां से लेकर के और पूर्व में ईस्ट चाइना सी तक था अब आप सोच सकते हैं, मतलब यहां से लेकर के और यहां तक यह पूरा का पूरा टैथिस था टैथिस जियोसिनक्लाइन था और जब इन प्लेटों के बीच में अभिसरण हुआ खासकर इंडियन और यूरेशियन प्लेट के बीच में तो इस टैथिस जियोसिनक्लाइन के अवसादों का संकुचन हुआ और उत्थान हुआ और यहां पर बन गया हमारा प्रहरी हिमालय हिमालय बन गया ठीक है ना ऐसे ये इंडियन प्लेट है ये टकराया और ये नीचे की ओर और, और ये यूरेशियन प्लेट है यूरेशियन प्लेट और इनके बीच में क्या बन गया हिमालय ठीक है ना अब देखें ये डायग्राम थोड़ा अलग आपको दिख रहा होगा जब काठमांडू का अर्थक्वेक आया तो जोग्राफर जियोलॉजिस्ट ने मिलकर के एक नया इमेज ड्रॉ किया उन्होंने कहा कि इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट का अभिसरण हो रहा है इंडियन प्लेट तो जा रहा है यूरेशियन प्लेट के नीचे सबडक्ट हो रहा है और यूरेशियन प्लेट सबडक्ट हो रहा है इस हिमालय के नीचे ठीक है ना यहां पर जो इंडियन प्लेट है इसका छेपण इसका क्षेपण लगभग पांच सेंटीमीटर पर ईयर ठीक है ना पांच सेंटीमीटर प्रति वर्ष के औसत दर से नीचे जा रहा है और यूरेशियन प्लेट तीन सेंटीमीटर पर ईयर के दर से हिमालय के नीचे जा रहा है तो जब दोनों का घनत्व तो अलग है और दोनों के सबडक्शन का रेट अलग ऐसे 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 हो रहा है ऐसे तो फ्रिक्शन भी खूब होगा और फ्रिक्शन होगा तो एनर्जी भी रिलीज होगी तो क्योंकि दोनों का घनत्व अलग है और दोनों के क्षेपण की गति अलग है तो यहां पर इनके क्षेपण और टक्कर से जो ऊर्जा विमुक्त होती है इस ऊर्जा के विमुक्त होने की मात्रा बहुत ज्यादा हो सकती है ठीक और आने वाला भूकंप बहुत ही खतरनाक हो सकता है बिल्कुल ऐसे समझ ले कि एक तरफ में आ रही है फॉर्च्यूनर और एक तरफ में इधर से मान लीजिए फॉर्च्यूनर है और इधर से मारुति 800 इसका घनत्व और इसका घना तो आप अनुमान लगा सकते हैं इसकी वेलोसिटी इसकी वेलोसिटी अगर 100 पर यह भी चले 100 पर यह भी चले तो भी इसकी गति तेज होगी क्यों इसके चक्के बड़े हैं तो जब यह टकराएगा तो अब आप सोच सकते हैं कि कितना बड़े पैमाने पर नुकसान हो सकता है वो जो एनर्जी रिलीज होगी जो तरंग रिलीज होंगी ठीक है ना तो एक तो यह घटना घट गई दूसरा क्या है यूरेशियन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट के बीच में भी अभिसरण हुआ और यूरेशियन और अभिस क्या बोलते हैं अफ्रीकन प्लेट के अभिसरण से यहां पर एक पर्वत बना जो कि है आल्प्स पर्वत यह आल्प्स पर्वत भी न्यू फोल्डेड माउंटेन है अफ्रीका कॉन्टिनेंट भी अटलस वगैरह बने लेकिन यहां पर यह जो भाग है यह है भूमध्य सागर ठीक है ना और भूवैज्ञानिकों का यह मानना है कि ये जो मेडिटेरेनियन सी है भूमध्य सागर है ये इसी टैथिस जियो का टैथिस भूसन्नति का रेस्ट पार्ट है बचा हुआ भाग है ठीक है ना दूसरी तरफ इधर तो टैथिस जियो समाप्त हो गया लेकिन भारत में भी टैथिस जियो का आपको प्रमाण मिलता है दिल्ली में मुखर्जी नगर के पास में ही है दिल्ली विश्वविद्यालय का नॉर्थ कैंपस और दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस के पास में ही है दिल्ली रिज दिल्ली रिज जो कि एक अच्छी जगह है घूमने के लिए वहां मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक करने के लिए भी जाया जाता है लोग जाते हैं वहां पर यह बात अलग है कि कुछ विशेष उम्र और उपलब्धि के लोग वहां दोपहर में भी घूमते हैं मतलब छात्रों में भी होता है कि चलो दोस्तों के साथ चले जाएं जाए, घूम आए है ना तो कई बार हो सकता है कि आप वहां पर जाएं तो आपका दोस्त वहां मिल जाए तो एक मेरी सलाह है कि ना आप उसे पहचाने ना वो आपको पहचाने है ना उसका कुछ दिन बाद ठीक है अच्छा तुम भी और वो बोलेगा तुम भी तो दोनों इस चीज को आंखों आंखों में समझ लेना बहरहाल जो ये दिल्ली रिज वाला भाग है ये इसी टैथिस भूसन्नति का भाग है जो पहले विशाल सागर के जैसा था आज ऐसा सिमट के रह गया और उस दिल्ली रिज के भीतर बहुत ज्यादा काम नहीं हुआ है वहां कच्ची पगड़ंडियां थी अभी तो पक्की पगडंडियां ऐसा बना दिया गया है जी वॉक वगैरह करने के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत ना हो बिल्कुल जंगल के जैसा अभी भी है ठीक है ना यहां पर हमने यह डायग्राम इसलिए बनाया कि भूमध्य सागर में यहां पर इटली के सिसली आइलैंड पर एक ज्वालामिखी है जिसका नाम है एस्ट्रामबोली ठीक और इस स्ट्राम ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी बोलते हैं लाइट कॉलम ऑफ मेडिटेरेनियन सी अब सोचने वाला बात है एक तरफ तो हमने ये कहा कि महाद्वीपीय महाद्वीपीय आपस में टकराएंगे तो भूकंप तो आएगा लेकिन ज्वालामुखीता नहीं होगी एक तरफ हम ये कह रहे हैं कि नहीं अफ्रीकन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टक्कर वाले में ये जो बीच में भूमध्य सागर बचा हुआ है यहां पर स्ट्राम बोली ज्वाला है जो एक्टिव वल है और औसतन हर पंद्रह मिनट पर वहां उद्गार होता रहता है तो जब कभी भविष्य में आप वहां टहलने जाए फिलहाल का तो कंडीशन यह है कि अब विदेशों में जाने का कोई जल्दी नाम नहीं लेने वाला है लेकिन कभी ईश्वर अल्लाह वाहे गुरु जी से करें कि सब कुछ जल्दी से जल्दी ठीक हो और आप जाएं तो वहां पर एक लिमिटेड डिस्टेंस तक आप जा सकते हैं और वहां से आप उस उद्गार के साथ में सेल्फी ले सकता है है ना सोचने वाला बात है कि आखिर यहां पर ज्वाला क्यों अब तक ज्ञात प्रमाणों के अनुसार यहां महाद्वीपीय महाद्वीपीय प्लेटों का टक्कर हुआ अफ्रीकन प्लेट का घनत्व यूरेशियन प्लेट के घनत्व से अधिक है तो यह सब्डक्ट हो रहा है नीचे की ओर ऐसे मान लें यह ऐसा ठीक और यहां बीच में है मेडिटेरेनियन सी तो मेडिटेरेनियन सी से वाटर का परकोलेशन हो जाता है जल का रिसाव या जल छनकर नीचे पहुंच जाता है और उसके वास्पीकरण से इतनी ऊर्जा की मात्रा हो जाती है कि उद्गार की घटना घटित हो सके और यह बहुत खतरनाक ज्वालामुखी फिलहाल तो नहीं दिखता है और ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है कि ये बहुत खतरनाक ज्वालामुखी हो ठीक है अब अगला मसला जो हमारा आता है थर्ड नंबर वो है महासागरीय महासागरीय प्लेट अभिसरण तो हमने महासागरीय महाद्वीपीय देख लिया महाद्वीपीय महाद्वीपीय देख लिया और नेक्स्ट हमको देखना है महासागरीय महासागरीय प्लेट अभिसरण बिल्कुल सारा का सारा कॉन्सेप्चुअल तो यही रहेगा हम ऐसे इसको समझ सकते हैं कि अभिसरण प्लेट गति में महासागरीय महासागरीय प्लेट अभिसरण ठीक है ना देखे महासागरीय महासागरीय प्लेट अभिसरण में वही स्थिति कि जब ही दोनों प्लेटें ओशनिक हो ये भी ओशनिक प्लेट हो ये भी ओशनिक प्लेट हो और इनके बीच में अभिसरण हो तो वही बात समझिएगा कि जब ही इनके बीच में अभिसरण होगा तो टक्कर होगा अभिसरण गति से टक्कर होगा टक्कर से ऊर्जा विमुक्त होगी और इस ऊर्जा विमुक्त होने से क्या आएगा भूकंप आएगा पहली बात ठीक है ना भूकंप आने के साथ साथ में अगर इनके बीच में अवसाद हैं अगर इतनी मात्रा में सेडिमेंट है अवसाद हैं तो इन अवसादों का भी क्या हो सकता है संकुचन हो सकता है और उत्थान हो सकता है और इनके संकुचन और उत्थान से यहां पर माउंटेन्स बन सकते हैं लेकिन डिपेंड करता है कि क्या वो माउंटेन्स इतने ऊंचे हैं कि वो सागर के तल से भी कहाँ आ जाए बाहर की ओर आ जाए दूसरा क्या है कि इन दोनों ओशनिक प्लेट में अगर इसका डेंसिटी अधिक है इसका घनत्व अधिक है तो अधिक घनत्व वाला ओशनिक प्लेट कम घनत्व वाले ओशनिक प्लेट के नीचे सबडक्ट होगा और यहां इसके सबडक्शन के साथ ये जो मैग्मा है वही बात है सारी चीजें जो मैग्मा है इस मैग्मा की मात्रा बढ़ जाएगी और यहां वाटर भी खूब रिस करके नीचे आएंगे और ये बड़ी तेजी से उद्गार होगा उद्गार होगा तो यहां पर इस ज्वालामुखी उद्गार से हम बोलें कि ज्वालामुखियता होगी तो इस ज्वालामुखियता से जो निकलने वाला लावा होगा इस लावा का जमाव होगा और इस लावा का जमाव होते 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 अगर ये लावा का जमाव सागर तल से ऊपर आ गया और ये जो वलकैनो है ये वोलकैनो अगर डेड हो गया तो यह जो ऊपर तक आ गया इसी से द्वीप का निर्माण हो जाएगा आइलैंड का जिसको हम वलकैनिक आइलैंड भी बोल सकते हैं ज्वालामुखी द्वीप भी बोल सकते हैं जैसे आप देखेंगे कि जो हवाइयन द्वीप है हवाईयन द्वीप है इस हवाइयन द्वीप का वन थर्ड भाग इसी तरह से बना हुआ है ठीक है ना हवाईयन आइलैंड का वन थर्ड भाग ज्वालामुखी उद्गार से ही बना हुआ है अब इसका उदाहरण हम देख लें ठीक ओश, ओशनिक ओशियनिक ओशियनिक का एक तरफ है फिलीपीन प्लेट और एक तरफ है पैसिफिक ओशियन प्लेट दोनों महासागरीय प्लेटें हैं फिलीपीन प्लेट अगर आपको ध्यान हो डायग्राम में हमने बनाया भी था फिलिपिन पेल प्लेट भी ओशनिक है और पैसिफिक ओशियन प्लेट भी ओशनिक है जब ही इन दोनों के बीच में टक्कर हुआ तो इनके टक्कर में ये पैसिफिक प्लेट नीचे की ओर आया यहां पर ज्वालामुखीता हुई और इस वोल्के से यहां पर द्वीप का निर्माण हुआ जिसका आकार चाप के आकार का है चाप के आकार का है और यह कौन सा है जापान जो कि किसका उदाहरण है द्वीपीय चाप का उदाहरण है आइलैंड आर्क का उदाहरण है अब एक बात और समझिएगा कि जो खास करके जो होन्शु आइलैंड वाला एरिया है एक बात ऐसा समझेगा कि इस तरह की घटना सिर्फ ओशनिक और ओशनिक प्लेटों के अभिसरण से ही नहीं होता बल्कि ये जो बनते हैं ये ओशनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेटों के अभिसरण से भी बनता है यूपीएससी ने एक बार प्रश्न पूछा सामान्य धन में कि दक्षिण पूर्व एशिया में हजारों द्वीपों के विरचन विरचन शब्द लिखा है विरचन विरचन बड़ा कठिन है हिंदी में समझ लीजिए फॉर्मे सॉरी इंग्लिश में फॉर्मेशन हजारों द्वीपों के विरचन के कारण को समझाइए तो यहां पर इन द्वीपों के बनने का एक कारण यह भी है और वह है क्या कि प्लेटों के मध्य अभिसरण गति ठीक अच्छा यहां पर ना एक बात हमें और समझना है वो ये है कि आप जापान में देखेंगे तो जापान में होकाइडो जो हम प्रमुख द्वीपों की बात कर रहे हैं होंसु सिकोकू और क्यूसु ये चार प्रमुख आइलैंड है इस आइलैंड में सबसे ज्यादा विकसित है विकसित है होकाइडो अब हम ऐसे समझ ले कि होकाइडो आइलैंड पे जो होकाइडो हम होकाइडो आइलैंड को ऐसे बना दे रहे हैं मान लीजिए ये होकाइडो आइलैंड है सपोज इस होकाइडो आइलैंड का ये ईस्ट भाग है और ये वेस्ट का भाग है ये जो पूर्वी तट है ये अधिक विकसित है ये विकसित अधिक है जापान में और पश्चिम वाला भाग जो है इसका विकास तुलनात्मक रूप से कम हुआ है वजह क्या है वजह ये है कि यहां पर ये फिलीपीन प्लेट वाला एरिया है ठीक है ना और ये ऐसा समझ वाला भाग इसका विकास अधिक हुआ है फिलीपीन प्लेट वाला एरिया है जिसके भाई टकराने से बना उनके बीच में इधर है पैसिफिक ओशियन प्लेट और यह पैसिफिक ओशियन प्लेट अब आप सोच सकते हैं कि पैसिफिक ओशियन प्लेट कितना भारी है सबसे बड़ा प्लेट कितना ज्यादा डेंसिटी होगा तो जब यह टकरा के सबडक्ट हुआ तो यह जो क्रस्ट इसका सबडक्ट हुआ ये नीचे ऐसे नहीं गया ना ऐसे तो नहीं जाएगा ये ऐसे जाएगा ऐसे तो ये ऐसे जाने पर यह जो दूरी तय किया ये इस आइलैंड के एरिया के इस वाले रीजन में बड़े पैमाने पर मैग्मा बना और इस मैग्मा से जो अधिकांश भूकंप और ज्वालामुखी आते हैं यह पश्चिमी तट पर आते हैं यानी जापान में होन्सू आइलैंड के पश्चिमी तटीय क्षेत्र में अर्थक्वेक और वोलकनिज्म का इंपैक्ट इसका प्रभाव अधिक होने के कारण इसका विकास तुलनात्मक रूप से कम हुआ है ठीक है ना और जापान में तो भाई बिल्कुल ज्वालामुखी की श्रृंखला पाई जाती है चेन पाया जाता है पूरा और वहां इस प्रकार के चेन को बोलते क्या फोसा मैगना वहां पर इस प्रकार के चेन को फोसा मैगना बोलते हैं अब देखें जो हम लोग बात कर रहे हैं प्लेटों के गति के प्रकार तो प्लेटों के गति के प्रकार में हमने तीन प्रकार का देखा था अभिसरण अपसरण और समानांतर अभिसरण में हमने देख लिया कि अभिसरण भी महासागरीय महाद्वीपीय हो सकता है महाद्वीपीय महाद्वीपीय हो सकता है और महासागरीय महासागरीय हो सकता है मतलब अभिसरण प्लेट गति के विषय में हमारे जो मुद्दे हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं अगला मुद्दा है हमारा वो है, है अपसरण प्लेट गति जिसको डाइवर्जेंट प्लेट मूमेंट या बाउंड्री बोलते हैं ठीक है ना मतलब नेक्स्ट जो हमारा मसला है वो अपसरण प्लेट गति है देखें इसमें क्या है अपसरण प्लेट गति में अगर हम इसका अर्थ देखें कि आखिर मतलब क्या है अपसरण प्लेट गति का हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि अपसरण का मतलब होता है एक दूसरे से दूर जाना ठीक है ना तो जब दो प्लेटों के मध्य ऐसी गति हो कि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में ठीक गति करें मतलब एक ईस्ट में जा रहा हो एक वेस्ट में जा रहा हो या कोई नॉर्थ जा रहा हो कोई साउथ जा रहा हो जब इस प्रकार की गति होती है तो इसको अपसरण गति बोलते हैं ठीक है ना इसमें यह हो सकता है कि अपसरण गति ये किसके किसके ये ओशियन और ओशियन प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट के बीच हो सकता है यह ओशियन प्लेट और ओशियन प्लेट के बीच हो सकता है यह कॉन्टिनेंटल प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट के बीच में भी हो सकता है ठीक है ना एक बात और ध्यान देंगे कि प्लेटों में अपसरण गति दो तरह से और हम देख सकते हैं इसको क्या इसमें इसको हम ए अप्रोच कर लें इसको बी अप्रोच कर लें यह क्या है एक होता है कि अंतर प्लेट अपसरण और एक होता है अंतरा प्लेट अपसरण ठीक है अंतर प्लेट अपसरण को इंटर प्लेट डायवर्जेंट बोलेंगे और अंतरा को इंट्रा प्लेट डाइवर्जेंट बोलेंगे ठीक है ना इंटर प्लेट डाइवर्जेंट एंड इंटरप्लेट डाइवर्जेंट इंटरप्लेट या अपसरण का मतलब होता है कि जब दो अलग अलग प्लेटों के मध्य जैसे ये ये ए प्लेट प्लेट है है, और है, और बी दोनों प्लेटों का अपना स्वतंत्र अस्तित्व है और ये दोनों प्लेटें एक दूसरे के सापेक्ष में अपसरण गति कर रही हैं, तो इसको अंतरा सॉरी अंतर प्लेट अपसरण बोलेंगे अंतरा में क्या होता है कि जब एक ही प्लेट का बीच का भाग टूटकर एक दूसरे से विपरीत दिशा में चला जाए तो इसको अंतरा बोलेंगे जैसे मान ले, ये दो प्लेटे अलग -अलग। दो प्लेटें हैं अलग-अलग। इन प्लेटों में गति हो रही है दोनों दूर जा रहे हैं तो ये अंतर प्लेट अपसरण है लेकिन यही एक प्लेट हो सपोज ये एक प्लेट है और ये यहां से टूटकर विपरीत दिशाओं में गति करे ऐसा तो ये अंतरा प्लेट ये दो हैं एक दूसरे से दूर गए अंतर प्लेट अपसरण ये प्लेट है यहां से टूटा और टूटकर दूर गया अंतरा प्लेट अपसरण ठीक है ना इसमें हमें यह जानना है कि इस अंतरा प्लेट, प्लेट आखिर क्या घटनाएं घटित होती हैं ये दो प्लेटें हैं जो आपस में जुड़ी हुई थी या मान लीजिए कि एक प्लेट था जो आप एक ही प्लेट था जो टूट कर अलग हुआ दोनों को एक साथ में लेके चलेंगे ये यहां से ऐसे अपसरण गति हुआ और यहां से ये क्या हो गए ब्रेक हो गए टूटे तो जब ब्रेक होंगे और इनके बीच में अपसरण होगा तो इसके कारण क्या होगा यहां पर भी ऊर्जा विमुक्त होगी और इस ऊर्जा के विमुक्त होने से क्या आएगा भूकंप आएगा ठीक दूसरी बात यह है कि अगर ये दोनों प्लेटें एक दूसरे से दूर गई ये दो प्लेटें एक दूसरे से दूर अब ये कोई कोई भी हो सकता है कॉन्टिनेंटल ओशनिक हो सकते हैं ठीक ओशनिक कॉन्टिनेंटल हो सकते हैं या ओशनिक ओशनिक हो, में हो सकता है लेकिन हम मुख्य रूप से इसमें ओशियन को लेकर के चलेंगे ठीक है ना ये ओशनिक प्लेट है और इनके बीच में ये टूटकर अलग हुए एक दूसरे से दूर गए तो इनके आंतरिक भाग में यहां पर हम थोड़ा सा डायग्राम चेंज करेंगे ऐसा इनके आंतरिक भाग में ठीक है ना आंतरिक भाग में इस वाले एरिया के नीचे इस वाले एरिया के नीचे जो दबाव है ये दाब पहले से कम हो जाएगा ऐसा समझ ले कि आप कहीं पर खड़े हुए दोनों पैरों को सटा के और आपने दोनों पैरों को ओपन कर दिया ऐसा अजय देवगन हो गए कि एक मो, दो मोटर बाइक पे आप चल रहे हैं तो अब बीच में तो आपका पैर नहीं रखा हुआ है तो बीच में आपके बॉडी का भार नहीं है तो वहां पर भार क्या हो गया दबाव क्या हो गया कम हो गया यहां पर जब दाब कम आएगा तो गलनांक बिंदु भी क्या हो जाएगा कम हो जाएगा ठीक गलनांक बिंदु के विषय में एक बात जान लें कि गलनांक बिंदु वह निश्चित तापमान होता है जिस पर कोई ठोस पिघलना प्रारंभ कर देता है और गलनांक बिंदु और दाब में समानुपाती संबंध होता है यानी जब दाब बढ़ेगा तो गलनांक बिंदु बढ़ेगा जब दाब कम होगा तो गलनांक बिंदु कम हो जाएगा तो जैसे ही दबाव कम होगा गलनांक बिंदु कम होगा अब आंतरिक भाग में कम तापमान पर भी चट्टाने पिघलना प्रारंभ कर देंगी तो इससे क्या होगा कि आंतरिक भाग में जो मैग्मा है इस मैग्मा की उत्पत्ति का दर रेट ऑफ मैग्मा जनरेशन क्या होगा बढ़ जाएगा ठीक और जैसे ही रेट ऑफ मैग्मा जनरेशन बढ़ेगा आंतरिक भाग से अब हम इसको एक और डायग्राम में कर लें आंतरिक भाग से इस एरिया से ये जो मैग्मा वाला एरिया है ये बाहर की ओर आएगा और इधर की ओर भी जाएगा और इधर की ओर भी जाएगा इनका फैलाव होगा इनका जमाव होगा दूसरी तरफ क्या होगा कि ये इधर की ओर भी जाएंगे और ये इधर की ओर भी जाएंगे अब ये प्लेट क्योंकि ये मैग्मा का गर्म तप्त रूप है तो यहां पर ये इधर भी गति करेंगे और इधर भी गति करेंगे यानी ये भाग एक दूसरे से टूट कर और एक दूसरे से दूर जाना स्टार्ट कर देंगे अब हम इसको कैसे समझ सकते हैं एक डायग्राम की सहायता से हम और इसको समझने का प्रयास करें वो तो ये है कि ये एक ओशियन है और इस ओशियन से नीचे से यह मैग्मा आया और इस मैग्मा ने क्या कर दिया इसको ब्रेक कर दिया जब इसने ब्रेक किया इसको ऐसा ये टूट गया तो टूटा तो यहां पर इसका आना हुआ और इसका जमाव हुआ यहां पर क्या हो गया ये ये लावा का जमाव हुआ इस प्रकार से किसी भी महासागर के नीतल पर निश्रित लावा के जमाव से निर्मित संरचना को बोलते हैं कटक रिज बोलते हैं कटक ठीक है ना और ये मैग्मा इधर की ओर भी जाएगा और इधर की ओर भी जाएगा तो ये ओशियन का जो बॉटम है ये इसके साथ इधर भी गति करेगा और इधर भी गति करेगा दोनों तरफ गति करेगा तो ऐसे में इस सागर का जो नीतल है इस सागर का नीतल क्या करेगा प्रसरण करेगा इसका एक्सपेंशन होगा यह बढ़ता जाएगा और उस महासागर का विस्तार भी कंटिन्यूसली बढ़ता चला जाएगा यह घटना घटित होगी अपसरण प्लेट गति में इसीलिए इसको जोन ऑफ सी फ्लोर स्पेडिंग भी बोलते हैं जोन ऑफ सी फ्लोर स्पेडिंग अब इसको हम ऐसे जान लें कि क्या ऐसा कहीं पर हो रहा है क्या हमारे पास में इसका कोई एग्जाम्पल है हम देख सकते हैं अभी हम लोगों ने बात किया था कि जो अटलांटिक महासागर है ये अटलांटिक महासागर कोई प्लेट नहीं है बल्कि अटलांटिक महासागर का वन फोर्थ भाग एक चौथाई भाग नॉर्थ अमेरिका एक चौथाई साउथ अमेरिका एक चौथाई यूरेशिया और एक चौथाई अफ्रीका प्लेट का भाग है है ना उसी को हम देख लें कि एक ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट प्लेट इधर में ये यूरेशियन प्लेट और ये अफ्रीकन प्लेट ठीक है ना है क्या कि इनके बीच में अटलांटिक ओशियन है मतलब ये अटलांटिक ओशियन है जिसका एक चौथाई सब सबका भाग है नॉर्थ अमेरिका प्लेट इधर की ओर गति कर रहा है अफ्रीका इधर की ओर और यूरोप मान लीजिए इधर या ऐसे भी इसकी गतियां हैं ठीक है ना ऐसे ठीक ऐसे में इस ओशियन के इस ओशियन के बॉटम के नीचे इसके टूटने से दबाव कम हुआ गलनांक बिंदु कम हुआ और मैग्मा की उत्पत्ति का दर बढ़ गया और मैग्मा बाहर की ओर आया और यहां पर इस मैग्मा का हो गया जमाव और इस मैग्मा का जमाव होने पर निर्मित संरचना को कटक बोलते हैं और अटलांटिक ओशियन में इस कटक का नाम क्या है मध्य अटलांटिक कटक मिड अटलांटिक रिज और आप अटलस में जाकर के देखिएगा द ओशन वाले चैप्टर में यहां से होकर के ऐसा विश्वत रेखा गुजर रही है और इसी मिड अटलांटिक रिज को विश्वत रेखा के दक्षिण वाले भाग में इसको बोलते हैं क्या चैलेंजर कटक बोलते हैं और उत्तर वाले को बोलते हैं क्या डॉल्फिन कटक बोलते हैं ठीक है ना डॉल्फिन शब्द सुना होगा डॉल्फिन फिश भी है और दिल्ली के भीतर में एम टी एन एल का चैनल डॉल्फिन के नाम से शो करता है मोबाइल पे ठीक है ना तो ये घटनाएं हो गई किससे अपसारी प्लेट गति से संबंधित ठीक है ना अब देखेगा इस अपसरण प्लेट गति के बाद हम लोगों ने तीन तरह का देखना था अभिसारी प्लेट गति अपसारी प्लेट गति और समानांतर प्लेट गति तो अगला हम लोगों को प्लेटों की गति के प्रकार में क्या देखना है वो देखना है समानांतर प्लेट गति पैरेलल प्लेट मूवमेंट देखें समान अंतर प्लेट गति में क्या है कि जब ही दो प्लेटें एक दूसरे के पैरेलल विपरीत दिशाओं में गति करती हैं इसका अर्थ क्या है कि जब दो प्लेटें एक दूसरे के मध्य विपरीत दिशा में एक दूसरे के सापेक्ष लिख दें या एक दूसरे के समानांतर लिख दें इसको एक दूसरे के समानांतर विपरीत दिशा में गति करती हैं ठीक है ना तो इसी को समानांतर प्लेट गति कहते हैं इसको हम ऐसे समझ सकते हैं एक प्लेट ये है एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है अब ये दोनों प्लेटें ध्यान दीजिएगा ऊपर नीचे नहीं है ये ऐसे ही हैं अगल बगल ऐसे एक दूसरे के पैरल हैं लेकिन पैरेलल को अगर हमें बोर्ड पे बनाना होगा तो कहां बना दें ये है ना तो ऐसे बना दिया हमने ठीक है ना तो जब ये दोनों प्लेटें एक दूसरे के पैरेलल होती हैं और इनके बीच में भ्रंश होता है भाई फ्रिक्शन होगा भ्रंश बनेगा टूट करके तो ये बोलते हैं ट्रांसफार्म इसको बोलते हैं ठीक है ना जब ही दो प्लेटें एक दूसरे के समानांतर मान लें ये इधर जा रहे हैं ये इधर जा रहे हैं और ये इधर जा रहे हैं जब दो प्लेटें एक दूसरे के समानांतर इस भ्रंश के सहारे क्या करें एक दूसरे के समानांतर विपरीत दिशा में गति करते हैं ठीक है ना जब एक दूसरे के समानांतर विपरीत दिशा में गति करते हैं तो यही समानांतर प्लेट गति होता है और इसका परिणाम क्या क्या होता है इसका परिणाम क्या क्या होता है ठीक है ना इसका परिणाम पहले तो यह होता है कि इनके बीच में बनता है ब्लॉक माउंटेन ब्लॉक पर्वत बनता है ठीक है ना अब इस ब्लॉक माउंटेन के बनने के साथ साथ में इनके बीच में रिफ्ट घाटी का भी निर्माण होगा क्योंकि हम लोगों ने उस क्लास में आप देख सकते हैं कि जब हम लोग वलन एवं भ्रंशन को किए थे भू संचलन वाले में उसमें पूरा डिटेल में रिफ्ट घाटी क्या होता है रंप घाटी क्या होता है ब्लॉक माउंटेन क्या होता है हॉस्ट माउंटेन क्या होता है किन में बीच का भाग स्थिर किस में किनारे का भाग गतिशील या स्थिर है ना ये सारी बातें कर चुके हैं हम ठीक है ना तो एक तो ये सारी गति करी कि ब्लॉक माउंटेन बना और रिफ्ट घाटी बना साथ ही साथ में क्या होगा यहां पर लैंड स्लाइड भी होगा भाई भूस्खलन भी होगा अगर ऐसा घटना घटेगा ठीक है ना और इन सब के साथ साथ यहां पर जो सबसे महत्वपूर्ण घटना होती है वो यह है कि भूकंप भी आते हैं लेकिन भूकंप जो आते हैं यहां पर ये छिछले उद्गम केंद्र के होते हैं ये शैलो अर्थक्वेक होते हैं ठीक है ना और एक बात समझिएगा कि इसमें पूरे विश्व में जो भूकंप आते हैं वे सर्वाधिक भूकंप समान प्लेट गतियों के सहारे आते हैं अब इसका हमको सबसे आइडियल एग्जाम्पल कोई देखना है कि जो इसका सबसे आइडियल एग्जाम्पल हो ठीक ऐसे तो बहुत सारे उदाहरण हैं हम देख सकते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका कैलिफोर्निया वाला रीजन है यहां पर एक भ्रंश है जो कि ट्रांसफॉर्म भ्रंश है और इस ट्रांसफॉर्म भ्रंश का नाम है सैन एंड्रियाज भ्रंश ठीक कैलिफोर्निया में सैन एंड्रियाज भ्रंश के सहारे ओशियन प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट के मध्य कैसी एक दूसरे के समानांतर समानांतर गति होती है और इस समानांतर गति के कारण ही यहां पर क्या आते हैं बड़े पैमाने पर भूकंप आते हैं अब आपको एक संदेह होगा संदेह यह होगा कि हमने तो बात किया था कि ओशनिक प्लेट यहां पर पैसिफिक ओशियन प्लेट है ना या नजका प्लेट जिसको भी आप लें यहां पर कॉकस वगैरह का कि इस ओशन प्लेट और इस कॉन्टिनेंटल प्लेट के बीच में अभिसरण गति है और यहां हमने बता दिया समानांतर गति है फंस गया मामला है जैसे ये दो प्लेटें हैं और ये आपस में आकर के टकराई अभिसरण गति हुआ लेकिन अभिसरण गति में इन दोनों की गति एक समान नहीं है दोनों का घनत्व तो एक समान नहीं है ऐसे में जब ये टकराएंगे तो आप देखिएगा ऐसा करें ये एक आगे निकल गया एक इधर चला आया ऐसे।, ऐसे 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 तो जब कभी ये बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि अगर दो प्लेटों के मध्य अभिसरण गति हो रही है तो अभिसरण गति वाले क्षेत्र में समानांतर गतियां भी हो सकती हैं बिल्कुल वैसे ही कि जैसे शायद एक सिनेमा आया था रेस उस रेस सिनेमा में भी भाई वही दौड़ के लड़ाई कारो आ, कार कार की लड़ाई है ना या रोहित शेट्टी की फिल्मों में देख लें कार ना लड़े तो फिल्म कंप्लीट नहीं होती है तो जब ही दो कार आकर के लड़ रही हैं अभिसरण हुआ अभिसरण के साथ साथ बगल से होकर के लड़ी और फिर बगल से टक्कर खाते हुए विपरीत दिशा में आगे निकल गई इस तरह से गति आप और कहां पर देख सकते हैं अथवा हम ये भी देख सकते हैं कि ये जो अफ्रीकन प्लेट और वाला ये रीजन है ना इंडियन वाला यहां पर भी इनके बीच में पैरेलल मूवमेंट होता है समानांतर गति होती है ठीक है ना तो अब ये बात आ गई इन प्लेटों के गति के प्रकार की तो प्लेट विवर्तन में हमने ये देख लिया कि प्लेटों के मध्य कितने प्रकार की गतियां होती हैं और उनके परिणाम क्या क्या होते हैं और इन सभी का एग्जाम्पल एक बार ध्यान रखेंगे कि मुख्य परीक्षा में आपको तब तक मार्क्स नहीं मिलेंगे जब तक आप इसके एग्जाम्पल्स नहीं बताएंगे और मुझे लगता है कि हम लोगों ने अभिसरण में वो चाहे महासागरीय महाद्वीपीय 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 महासागरीय महासागरीय सबके एग्जाम्पल्स भी देख लिए हैं और विद डायग्राम देख लिए हैं अब एक बात समझिएगा हम लोग आते हैं इसके एक फाइनल सेटिंग पर फाइनल उस पर हमने ये देखा कि ये जो प्लेट विवर्तनिकी है ये प्लेट विवर्तनिकी कहता है कि प्लेटों के मध्य एक दूसरे के सापेक्ष तीन प्रकार की गतियां पाई जाती हैं एक क्या है अभिसारी एक क्या है अपसारी और एक क्या है समानांतर ठीक है ना अभिसारी गति में हमने क्या देखा कि अभिसारी गति में क्या क्या होता है भूकंप आता है न्यू फोल्डेड माउंटेन्स बनते हैं ट्रेंच बनते हैं ज्वालामुखी होता है है ना वोलकैनि होता है ठीक है ना लेकिन यहां पर अगर आप ध्यान दें कि अगर दो प्लेटें आपस में टकराई इनके बीच में अभिसरण हुआ तो इस प्लेट का जो ये सबडक्ट हुआ ये पुराना क्रस्ट था पहले यहां पर था जो टकरा करके नीचे की ओर आ गया और नीचे की ओर आया तो अब इसका सतह पर अस्तित्व समाप्त हो गया मतलब अब इसका एग्जिस्टेंस नहीं रहा तो हम ये बोल सकते हैं कि इस अभिसारी प्लेट गति में इस पुराने क्रस्ट का क्या हो गया क्षय हो गया डिस्ट्रक्शन ऑफ ओल्ड क्रस्ट पुराने क्रस्ट का छय हो गया अब पुराने क्रस्ट का छय होने के कारण ही इस अभिसारी प्लेट गति को नाम दिया जाता है विनाशात्मक प्लेट गति ठीक है ना डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री या डिस्ट्रक्टिव प्लेट मूवमेंट अपसारी गति में हमने ये देख लिया कि ऐसे इसी के साथ अटैच कर लें हम लोग अपसारी में हमने एक तो ये देख लिया कि भाई अपसारी से क्या होता है सी फ्लोर स्प्रेडिंग होता है भूकंप भी आता है और वोलकैनो भी होता है ज्वालामुखी भी होता है अब यहां पर जब भी इन दोनों के बीच हम मान लें ये इधर गया और ये इधर की ओर जा रहे हैं ये दोनों टकरा गए बीच में ये नीचे से जो मैग्मा, लावा के रूप में बाहर की ओर आया इसका जमाव हुआ जमाव हुआ और यहां पर इस लावा के जमाव से क्या बन गया नवीन क्रस्ट का निर्माण हो गया ठीक फॉर्मेशन ऑफ न्यू क्रस्ट तो क्योंकि यहां पर नवीन क्रस्ट का निर्माण हो गया इसीलिए अपसारी प्लेट गति को संरचनात्मक प्लेट गति भी बोलते हैं ठीक है ना अब आई बात समानांतर प्लेट गति में अगर आपको ध्यान हो तो समानांतर प्लेट गति में भ्रंश बनता है ब्लॉक माउंटेन बनता है लैंडस्लाइड होता है भूकंप आता है लेकिन ज्वाला मुख्यता की घटना नहीं होती साथ ही साथ में अगर हम देखें कि समान अंतर प्लेट गति में ना तो पुराने क्रस्ट का क्षय होता है ना ही नवीन क्रस्ट का निर्माण होता है तो ना तो पुराने क्रस्ट का क्षय हुआ और ना ही नवीन क्रस्ट का निर्माण हुआ इसीलिए समान अंतर प्लेट गति को संरक्षी प्लेट गति भी कहते हैं अब आप देखिएगा हम इसका देख लें यहां पर जितना पुराना क्रस्ट खत्म हुआ यहां पर उतना नया क्रस्ट क्या हो गया बन गया ठीक है ना इसीलिए ऐसा नहीं होता कि अच्छा तो क्या पृथ्वी का आयतन बदल जाएगा ठीक क्यों क्योंकि जितना एक तरफ सब्डक्ट हो रहा है दूसरी तरफ उतने ही एरिया में क्या हो जा रहा है कि नवीन क्रस्ट का निर्माण हो जा रहा है तो इस तरह से हम लोगों ने विवर्तन के सिद्धांत में इतनी चीजों को देखा ठीक है ना कहीं ना कहीं ये किससे आ जाएगा आप इसको निष्कर्ष में भी शामिल कर सकते हैं बेहिचक निष्कर्ष में आप शामिल कर सकते हैं हाँ अब आई बात आलोचना की क्रिटिक्स की क्योंकि ये जीएस का मसला है सामान्य अध्ययन का मसला है तो इसमें बहुत ज्यादा नहीं जाना है सीधा आपको यह बता देना है एक आध पॉइंट में तो आपको उसमें मिलेगा ही कि प्लेट विवर्तन की सिद्धांत प्लेटों की गतिशीलता को तो स्पष्ट करने में सक्षम है लेकिन इनकी गति के दर को रेट ऑफ मोबिलिटी को स्पष्ट करने में सक्षम नहीं है ठीक है ना एक तो यह बता देना है ठीक दूसरा बता दीजिए कि विभिन्न विद्वानों का यह मानना है कि यद्यपि प्लेट विवर्तन की सिद्धांत ज्वालामुखीता नवीन वलित पर्वत ठीक है भूकंप ट्रेंच का निर्माण इन सबको स्पष्ट करने में सक्षम है लेकिन इन घटनाओं के घटित होने के समय को कि भविष्य में ये कब घटित हो सकती हैं इसको पूरी तरह से स्पष्ट करने में सक्षम नहीं है तो सामान्य अध्ययन में अगर आपको कटिक्स करना है तो 20 लाइन में या सॉरी 20 शब्द में अगर आप कटिक्स कर देते हैं तो बहुत है ठीक निष्कर्ष में आप इस बात को मेंशन कर दीजिएगा ठीक है ना ऐसा और अगर आप देखें तो प्लेट विवर्तन की सिद्धांत ने क्या क्या स्पष्ट कर दिया कहीं ना कहीं सागर नीतल को भी बता दिया कहीं ना कहीं महाद्वीपीय विस्थापन को भी बता दिया घूर्णन वाली बात इसमें शामिल ही थी नवीन वलित पर्वतों की उत्पत्ति को बता दिया ज्वालामुखीता को बता दिया भूकंप को बता दिया महासागरों में ट्रेंच के निर्माण को बता दिया महासागरों में कटक के निर्माण को बता दिया तो ऐसे में प्लेट विवर्तन के सिद्धांत कहीं ना कहीं ऐसा सिद्धांत है कि जो विभिन्न प्रकार की भूभौतिकी घटनाओं को उनके कारणों को स्पष्ट करने हेतु वैज्ञानिक आधार प्रदान करने में सक्षम है तो आज का क्लास यहीं तक बाकी आगे की क्लासेस में हम लोग मिलते हैं थैंक यू थैंक यू वेरी मच